नमस्कार साथियों, फ्रेंड सर्कल फोरम ऑफ इंडिया आपका स्वागत करती है। आइए आज हम रिफ्रेशर प्रोग्राम डिफरेंट क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा देखेंगे समझेंगे। लेकिन मेरा एक ही अनुरोध है, इसको देखने के बाद जहां पर भी आपको लगता है कुछ गैप ज्यादा है, आप कंसर्न बुक को जरूर पढ़िए। हम सब लोग ग्रोथ चाहते हैं। ग्रोथ के साथ साथ जो बात कोरियो इशिकावा जी ने कही कि मैनेजमेंट का पहला कंसर्न है कि जितने कंपनी के लोग हैं उनके अंदर खुशियां हो। यदि लोग खुश नहीं है तो ऐसी कंपनी चलने लायक नहीं। यानी हमें ग्रोथ और उसके साथ साथ हैप्पीनेस की जरूरत है और ये सस्टेन करना चाहिए। So, तीन चीजें, ग्रोथ, जी एच एस, ग्रोथ हैप्पीनेस और सस्टेनेंस। ग्रोथ हैप्पीनेस सस्टेनेंस तब आएगा जब हम सबसे ऊपर हो, यानी वर्ल्ड क्लास। हम वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर हो तो जीएचएस आना स्वाभाविक है। और ये वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने क्यू सी एफ आई में अभी इसका सर्टिफिकेशन भी चालू कर दिया है। ये जो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग है, इसके 8 पिलर हैं: लेआउट मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, ऑर्डरलीनेस सेफ्टी इन्वायरमेंट, क्वालिटी सिस्टम, एसेट केयर, कस्टमर फोकस, विजुअल मैनेजमेंट, इनोवेशन एडॉप्शन और इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ये 8ों पिलर्स में यदि आप देखेंगे तो हर एक में उनका कैटेगराइजेशन किया हुआ है और लेबल वाइज कहां तक आपको अचीव करना है वो बताया गया है। उदाहरण के रूप में हम आपको दिखाते हैं। पहला पिलर हम यहां देखना चाहते हैं कि परसेंटेज आप इनडायरेक्ट एम्प्लाई टू टोटल एम्प्लाई कितना है, स्क्रैप जितने तरीके का आ रहा है वो कितना है और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, प्लांट लेआउट कैसा है, अननेसेसरी मूवमेंट तो नहीं है, और मटेरियल हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं, क्या उसमें इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। इसी तरीके से जो क्वालिटी सिस्टम है उसमें कितने प्रोजेक्ट्स सीनियर मैनेजमेंट द्वारा आ रहे हैं, मिडिल मैनेजमेंट द्वारा आ रहे हैं, ग्रास रूट लेवल द्वारा आ रहे हैं, कितने लोगों को स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल की नॉलेज है, कितने काइजन्स आ रहे हैं, और इस तरीके से उनका एक इवेल्युएशन है। देन टेक्नोलॉजी सिलेक्शन, कोई आपने किया है उसका अपग्रेडेशन किया है, प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या है, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम क्या है। इसी तरीके से 8ों पिलर 5 लेवल है: स्ट्रगलर, बिगिनर, ऑर्गेनाइज, अचीवर और वर्ल्ड क्लास। तो पहला सर्टिफिकेट क्यूसीएफआई अचीवर्स का दे रही है, जो लोग 80%, 60-80% के बीच में है, एंड वर्ल्ड क्लास दोज हु आर अबव देयर 80%, मीन्स 81 से 100 के बीच में है। अब इन इनेबलर्स, इनको पाने के लिए हमारे कुछ इनेबलर्स हैं, इनको सीखना बहुत जरूरी है। यदि हम इनको नहीं सीखेंगे तो उनको करना मुश्किल होगा। ये सिंपल से टूल्स टेक्निक्स है या कुछ डिफरेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है। आप देखिए, ब्रेन स्टार्मिंग, फ्लो डायग्राम, एक्टिविटी चार्ट, हम सीखेंगे इन सब के बारे में। इनोवेशन, काइजन, इंडिविजुअल काइजन, 5S कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके सर्टिफिकेशन तक, क्वालिटी सर्किल, लीन क्वालिटी सर्किल, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम, लीन सेफ्टी सर्किल, डिफरेंट टूल्स, डेटा कलेक्शन, स्टेटिफिकेशन, पैरेटो डायग्राम, रैंक चार्ट, सीपीसीपी के, टीपीएम, टीपीएम क्या है, मैनेजर्स मॉडल, टैग सिस्टम, ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, लीन मैन्युफैक्चरिंग, 8 टाइप ऑफ वेस्टेज, वैली मिस्टी मैपिंग, विजुअल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इंडस्ट्री 4.0, ऑटोमेशन एंड हाउ टू कंडक्ट ऑडिट
हाउ टू डेवलप ऑडिटर्स, ये सारा चीजें हम मॉड्यूल्स के रूप में सीखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं एट पिलर्स। इस तरीके का सर्टिफिकेट क्वालिटी सर्कल प्रदान कर रही है। जीएचएस के लिए जब वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो जरूरी हो जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है क्या? आप देखिए, आइंस्टीन ने कहा है, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ द फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। ये क्वालिटी गुरुज जिन्होंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को प्रेरित किया, उनमें एक डब्ल्यू सेवर्ड जिन्होंने कहा, कितना ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस क्यों ना हो, दो प्रोडक्ट एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। आज डब्ल्यू सेवर्ड हमारे इंडिया को, महाना लोबिसी को इतना मानते थे कि अपनी हाथ से लिखी हुई जीवन गाथा टोटल लाइब्रेरी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता को सौंपी। डॉक्टर डब्ल्यू एवर डेमिंग, आप लोग अच्छी तरह से डेमिंग व्हील के बारे में जानते हैं, इनको सेंसेक्स के लिए हाउ टू इंप्रूव द सेंसेक्स 1940 में इनको अवार्ड मिला। जनरल मैकार्थर ने 1950 में जापान की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हाउ कैसे सेंसेक्स इंप्रूव करे, उन्होंने इनको इनवाइट किया और इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए जूसे यूनियन ऑफ जापानीज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स और काई डेन रेन एक जापानीज चीफ एक्सिक्यूटिव एसोसिएशन, इन लोगों ने विभिन्न लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए और इनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर एक डेमिंग अवार्ड डिक्लेयर किया 1951 में। डेमिंग व्हील आप सब अच्छी तरह जानते हैं, प्लान डू चेक एक्ट, आगे हम डिटेल में देखेंगे। डॉक्टर जी एम जुरान जिन्होंने हमको वाइटल फ्यू यूजफुल मैनी की बात करी, जुरान टेक्नोलॉजी इनकी काफी फेमस हुई, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ये पहले व्यक्ति जैसे हमने कहा कि उन्होंने वाइटल फ्यू और यूजफुल मैनी को यूनिवर्सल फिनोमेना का नाम दिया और पैरेटो डायग्राम इनका कंट्रीब्यूशन। डॉक्टर के सी का वो जिन्होंने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल बिगिंस विद एजुकेशन एंड एंड्स विद एजुकेशन। जब तक लोग हैं, कार्यस्थल है, क्वालिटी सर्कल एक्टिविटीज बराबर चलती रहेगी। इन्होंने 1962 में ये क्वालिटी कंट्रोल सर्कल को जन्म दिया जो कि पूरे विश्व में ज्यादातर जगह पर क्वालिटी सर्कल्स के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। डॉक्टर प्रशांत चंद महानालोबिस क्वालिटी ग्रुप अपने ही भारत के, जिन्होंने बहुत पहले कहा कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक के माध्यम से ही इंडस्ट्रीज में क्वालिटीज को इंप्रूव किया जा सकता है। और यदि आप देखें, इंडिया में स्टैटिस्टिक्स जापान से पहले आई, लेकिन हम लोगों ने शायद उतना महत्व स्टैटिस्टिक्स को नहीं दिया जितना जापान ने दिया और रिजल्ट हम लोगों के सामने है। जापान में जो रेवोल्यूशन आया वो डिफरेंट क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करना, क्वालिटी कंट्रोल से टोटल क्वालिटी कंट्रोल और उसके बाद CWQC कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल, जो कि बाद में जो इसका मुख्य भाग था, एक विशेष वो था कि नेक्स्ट प्रोसेस इज द कस्टमर, हमारा अगला प्रोसेस वो हमारा कस्टमर है। बाद में CWQC टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के रूप में
निखर करके सामने आया। डॉक्टर इशिकावा जी ने कहा था, क्वालिटी कंट्रोल बिगिंस विद एजुकेशन एंड एंड्स विद एजुकेशन। जब तक कार्यस्थल है, क्वालिटी सर्कल एक्टिविटीज बराबर चलती रहेगी। ये इशिकावा जी जिन्होंने 1962 में क्वालिटी सर्किल को जन्म दिया, क्वालिटी कंट्रोल सर्किल के नाम से, जो कि बाद में क्वालिटी सर्किल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीसर महानलोबिस इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना इन्होंने करी और ये डब्ल्यू सेवर्ड इनको इतना चाहते थे कि जैसा आपने बताया कि उन्होंने अपनी टोटल लाइब्रेरी इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को सौंप दी। ही एडुकेट एंड पायनियर द यूज ऑफ स्टेटिकल टेक्निक इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन इंडिया एंड एस्टैब्लिश ए सेपरेट यूनिट इन द इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इंडस्ट्रीज एंड फॉर प्रोमोटिंग क्वालिटी कंट्रोल मूवमेंट। यानी इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की जो स्थापना की, जिससे कि लोग स्टेटिस्टिक्स के बारे में सीख सके, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। जापान में जो रिवोल्यूशन आया क्वालिटी सर्किल, क्वालिटी कंट्रोल, टोटल क्वालिटी कंट्रोल, देन CWQC कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल, और जिसमें मुख्य रूप से कहा गया कि आपका अगला विभाग आपका ग्राहक है। कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल भविष्य में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से लोग बोलने लगे। सीची नाकाजी में आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जब आए तो GIPM में सीची नाकाजीमा इन्होंने सोचा इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्या करें। और तब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट, एक फिलॉसफी कहेंगे TPM का, टोटल थिंग्स, पूरी चीजें, व्हाट एवर इज प्रोडक्टिव फॉर अस, जो हमारे लिए उपयोगी है, दैट टू बी मेंटेन, हम उसको मेंटेन करें। है बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए उपयोगी है, हम उसको मेंटेन करें। सो टोटल थिंग्स, व्हाट एवर इज प्रोडक्टिव फॉर अस, दैट टू बी मेंटेन, TPM। शुरू में PMA वर्ड जो 1964 में JIPM ने चालू किया था, 71 ऑनवर्ड TPM अवार्ड में इसको बदल दिया गया। आइए थोड़ा सा इस पूरे प्रोसेस के जो हिस्ट्री है उसको देख ले। 1940s ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, हम लोग ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में बिलीव करते थे, लेकिन बाद में प्रिवेंटिव में अमेरिकन्स ने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात करी 1950s में। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज भी हम में से ज्यादातर लोग ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पे बिलीव करते हैं। फैक्ट्री में मजबूरी में करना पड़ रहा है वो बात अलग है, लेकिन ये सारे इक्विपमेंट देखिए जो हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं, क्या हम कभी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने की बात करते हैं? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो अमेरिकन ने स्टार्ट किया, जिसका आधार उन्होंने टाइम बेस्ड और कंडीशन बेस्ड दिया 1950s में, जैसे बताया डॉक्टर जुरान, डॉक्टर डेमिंग जापान आए, 54 में डॉक्टर जुरान जापान में आए और इन्होंने मिडिल मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट पर अधिक से अधिक जोर दिया। 1960 प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, 62 क्वालिटी कंट्रोल सर्कल स्टार्ट हुआ, 1964 बताया था PM प्राइस डिक्लेयर हुआ एंड 1970s में टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस TPM। बड़ा सिंपल, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस तीन फीचर है। शुरू में हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात करते थे,
जो यहां पर है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बाद प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की बात आई, और इस प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के साथ जुड़ गया मेंटेनेंस प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड करेक्टिव मेंटेनेंस। और 1971 आर्ड वर्ल्ड इन दोनों के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी, ऑटोनोमस मेंटेनेंस। जो ऑपरेटर वहां काम कर रहा है वही अपनी मशीन की बेसिक देखभाल कर सकता है, और इस तरीके से टीपीएम की शुरुआत हुई। टीपीएम की जब शुरुआत हुई इसका जो लक्ष्य रखा गया, जीरो एक्सीडेंट, जीरो पोल्यूशन, जीरो डिफेक्ट, जीरो फैक्टर। टीपीएम के विभिन्न पिलर्स ऑटोनोमस मेंटेनेंस, फोकस इंप्रूवमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्लांट मेंटेनेंस, क्वालिटी मेंटेनेंस, अर्ली मैनेजमेंट एंड इनिशियल फ्लो कंट्रोल, सेफ्टी हाइजीन एंड पोल्यूशन कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस टीपीएम। टीपीएम के कई बार आप कुछ अलग पिलर्स भी पाएंगे, वो संस्थान के आधार पर छोटे मोटे परिवर्तन रहते हैं, लेकिन बेसिक रूप में ये 8 पिलर सामने आए। जो ऑटोनोमस मेंटेनेंस है ये एक बहुत ही उपयोगी चीज जुड़ी टीपीएम में। जो कारीगर है वो स्वयं अपनी मशीन की का ऑटोनोमस मेंटेनेंस डेली करेगा, और हम लोगों ने ऑटोनोमस मेंटेनेंस करने के पहले लोगों को टैक्स सिस्टम बताने की बात करी। टैक्स सिस्टम एक विजुअल मैनेजमेंट सिस्टम है, 5S में रेड टैग अनवांटेड आइटम्स के लिए, येलो टैग जो कि सामान एक्स्ट्रा है स्टोर में वापस भेज देना चाहिए, ये स्टैंडर्डाइज्ड है। डिफेक्ट के लिए QCFI ने ये 4 कलर डिसाइड किए, मैकेनिकल ग्रीन कलर, इलेक्ट्रिकल ब्लू, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्लैक, और कोई सिविल या कारपेंट्री का है तो व्हाइट। जो भी ऑपरेटर काम कर रहा है, जो भी उचित टैग है वो वहां पर लगा दे, कंसर्न ब्रेक उसको देखेंगे और करेक्टिव एक्शन ले लेंगे। सो ऑटोनोमस मेंटेनेंस, आप देखिए जो GIPM ने दिया, उन्होंने स्टेप दिया इनिशियल क्लीनअप, यानी जब क्लीन करते हैं तो लुक लिसन फील अपने आप आता है, देखना है, सुनना है, स्मेल लेना है, टच एंड फील है। सो लुक लिसन और फील। सेकेंड स्टेप प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर सच ड्यूरेशन। थर्ड स्टेप क्रिएट क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन स्टैंडर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। फोर्थ जनरल इंस्पेक्शन, ऑटोनोमस इंस्पेक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड फुल एप्लीकेशन ऑटोनोमस मेंटेनेंस द ओनरशिप। लेकिन हम लोगों ने इंडियन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़े से परिवर्तन किए। आइए देखिए परिवर्तन क्या है। सबसे पहले इसमें हम लोगों ने किया कि शिफ्ट स्टार्ट में ही 5 मिनट के लिए ऑपरेटर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वो वहां इकट्ठा होंगे, पूरे मशीन को देखेंगे, क्लीन करेंगे, और वैसे साफ मशीन दो साफ मशीन लो, फिर भी एक जब मशीन को हम सर से निगाह से देखते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, इलेक्ट्रिकल वाला है, मैकेनिकल वाला, वो देख लेता है कहीं क्या गड़बड़ी है, और उसको छोटा मोटा है तो ठीक कर देगा, और बड़ा कुछ है तो नोट कर लेगा, इसके पहले कि कोई वो बड़ा जॉब ले पहले उसको आके ठीक कर देगा। एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक महीने के अंदर आप देखेंगे कि ये आपस में बात करने लग जाते हैं, यार ये बार बार आता है, इसको ऐसा क्यों ना कर दिया जाए, यानी प्रिवेंटिव मेजर्स डिस्कस करने लगते हैं, यानी वो सेकंड लेवल पे आ गए। तो सेकंड लेवल अब देखेंगे अपने आप आना शुरू होता है, और उसके बाद थर्ड लेवल, अभी हमें उनको बताना है कौन सा ऑयल या ग्रीस कहां पर किस समय किस क्वांटिटी में कैसे दिया जाता है, ये कहां कहां जाता है, गलत करेंगे ज्यादा देंगे कम देंगे तो क्या इफेक्ट हो,
ये हम वन पॉइंट लेसन के माध्यम से उनको सिखाते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं। तो चौथा स्टेप जनरल इंस्पेक्शन मशीन का अपने आप आ जाता है, क्योंकि अभी वो देख रहा है ये आयल ग्रीस कहाँ कहाँ जा रही है, क्या क्या हो रहा है, और बाकी जो फंक्शन है उनको भी देखते हैं, तो जनरल इंस्पेक्शन अपने आप आ जाता है। पिछले वाले में एक मिसिंग था जो हमने इसमें जोड़ा, कि जो आउटपुट की क्वालिटी है, हमें ऑपरेटर को सिखाना होगा कि ये आउटपुट की जो क्वालिटी है ये डिफेक्टिव है, क्या डिफेक्ट है। और जब आउटपुट की क्वालिटी डिफेक्ट ऑपरेटर देखने लग जाता है, उसके मन में एक जिज्ञासा आती है, ये क्यों आ रहा है? इनपुट मटेरियल के कारण है, हमारी मशीन के कारण है, कोई प्रोसेस के कारण है, और इस तरीके से जो उसका रीजन है उसको जानने की कोशिश करता है, यानी छठा स्टेप। अभी आप देखिए, वो अपनी मशीन को खुद साफ कर रहा है, लुब्रिकेशन के बारे में जान गया है, मशीन के बारे में जान गया है, आउटपुट क्वालिटी इनपुट क्वालिटी के बारे में जान गया है, यानी छठा स्टेप के बाद हम कहेंगे फुल एप्लीकेशन ऑफ ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, यानी उसके अंदर ओनरशिप आ गया। मैनेजर्स मॉडल, हम लोगों ने जो अपने इंडियन कंडीशन में हर हफ्ते हर डिपार्टमेंट में एक इक्विपमेंट को मैनेजर्स मॉडल के रूप में लेते हैं। सीनियर लोग खुद मशीन को खोलेंगे, कवर निकालेंगे, छोटा मोटा हेल्प ले सकते हैं, क्लीन भी खुद ही करेंगे, क्योंकि जब वो खुद करते हैं तो महसूस करते हैं वो जो दर्द है। और चूंकि ये टेक्निकल लोग हैं, स्वाभाविक है इनके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया आएगा, और ये जो आइडिया आया वो काइजन के रूप में वहां बताएंगे, ये भी टैक्स लगाएंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे लोगों से, गाइड भी करेंगे लोगों को। तो जितने भी मैनेजर्स हैं जिनके टेक्निकल नॉलेज रही है, जिन्होंने शुरू में सीखा है, वो अपने को रिकॉल करते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयरिंग ऑफ नॉलेज भी होती है। लोग अपनी तकलीफ को भी बताते हैं, और मैनेजर्स मॉडल में वो उसको भी देखते हैं, ये कहां से आ रही, क्यों आ रही है, उसको दूर करने की बात करते हैं। वन पॉइंट लेसन हमारे सिस्टम में, वन पॉइंट लेसन में हमने परिवर्तन किया है। डिपार्टमेंट हेड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रोडक्शन सेफ्टी क्वालिटी लोगों को बुलाएंगे, उनके हेड्स को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे भाई आपके हिसाब से हम इसमें क्या परिवर्तन करें, क्या इन लोगों को बताएं जिससे आपकी प्रॉब्लम कम हो जाए। हर कोई कुछ ना कुछ छोटे छोटे चीजें बताएगा, लिखे, और उसके आधार पर हम 40 लेसन तैयार करें। 40 लेसन कौन करेगा? एक एक करके सुपरवाइजर, सुपरवाइजर कंसर्न पर्सन से जाकर के उसके बारे में पूछेगा, उस पर पूरा एक नोट बनाएगा, और हर हफ्ते एक एक व्यक्ति को वन टू वन बेसिस पर प्रैक्टिकली सिखाए। और इस तरीके से चार हफ्ते में 4 लेसन पढ़ाया, इसका डिस्प्ले भी कर दिया, पांचवें हफ्ते में 4 लेसन के बारे में पूछ लिया, और जो नहीं बता पाया उसको दोबारा से बता करके फिर से पूछ लिया। इसका परिणाम ये होगा कि जो सुपरवाइजर वहां पर है वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रोडक्शन हर चीज का एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन अपने एरिया के लिए पूरे साल भर में 40 लेसन, हर 5 हफ्ते में 4 लेसन, ये 3 साल वो सुपरवाइजर वहां रुका तो 120 लेसन, यानी अपने डिपार्टमेंट की एक एक चीज के बारे में विधिवत वो जान चुका है, क्योंकि इतने बार उसने पढ़ाया है, सुना है, तो निश्चित रूप से उसको याद हो ही जाएगा। अभी मैनेजमेंट का ध्यान अपने इक्विपमेंट के इफेक्टिवनेस पे जाना चाहिए। टोटल टाइम आपको दिया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा समय है जिसमें हम
फैक्ट्री को नहीं चला रहे या इक्विपमेंट को नहीं चला रहे, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। ओके, ये जो ग्रीन पोर्शन है ये तो लोडिंग टाइम है, लेकिन कभी मेजर ब्रेकडाउन, कभी प्रोडक्ट चेंज, कुछ ना कुछ कारण से माल फंक्शनिंग, हम जो अवेलेबल टाइम है उसमें जो एक नंबर दिया इतना लूज कर गए, तो अवेलेबल टाइम हमारे पास बचा केवल जो ग्रीन पार्ट है। ये जो अवेलेबल टाइम बचा इसमें हम मशीन को पूरा रन कर सकते हैं, लेकिन आप कैलकुलेट करें थ्योरेटिकली कितना प्रोडक्शन होना चाहिए और प्रैक्टिकली देखेंगे तो प्रोडक्शन में कमी निकलेगी, ये परफॉर्मेंस लॉस हो गया। तो जो प्रोडक्शन हुआ वो जो ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं उतने समय चलने के कारण हुआ, बाकी वो माइनर स्टॉपेजेस थे। और ये जो चलने के कारण जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, क्या 100% हम पैक करके बाहर भेज सकते हैं? और यदि नहीं तो वो हमारा क्वालिटी लॉस है। तो इस तरीके से आप देखिए कि हमारे पास इतना समय अवेलेबल था, लेकिन हम इफेक्टिव रूप में केवल इतने का इस्तेमाल कर पाए, ये हमारे लॉसेस है। तो ये ओई निकालने के लिए ओई इक्वल टू ए परसेंटेज इंटू पी परसेंटेज इंटू क्यू परसेंटेज। अब ये जो लॉसेज है, 6 बिग लॉसेस, जो पहला हम लोगों ने देखा अवेलेबिलिटी लॉस, डाउन टाइम लॉस, मेजर ब्रेकडाउन, सेटअप एंड एडजस्टमेंट टाइम। क्या करेंगे? ये इंप्रूवमेंट अवेलेबिलिटी परसेंटेज के लिए एसएमएडी करना पड़ेगा। एसएमएडी सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस, यहां पर हम जो सेटअप टाइम है हम ये देखते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल सेटअप क्या क्या है, क्या इंटरनल सेटअप को एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे कि हम समय को बचा सके। इसी तरीके से जो हमारे ब्रेकडाउन हुए, क्या सिस्टम फूल प्रूफ सिस्टम रखे जो ऐसा ना हो पाए, हो सकता है हमारा इंटरनल टेक्निकल ऑडिट सिस्टम इतना बढ़िया हो, और भी उसके बारे में सोच सकते हैं। अभी इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस परसेंटेज, जो हम लोगों ने देखा था स्पीड लॉस, अपने को चेक करना है स्पीड लॉस क्या हो रहा है, आइडलिंग एट माइनर स्टॉपेजेस रिड्यूस स्पीड, और इन सब के लिए हमें जीटीटी स्टडी करनी पड़ेगी, स्नेप सर्वे करना पड़ेगा या टाइम मोशन स्टडी। द बेस्ट है जीटीटी स्टडी, ग्रुप टाइम टेक्निक स्टडी, और इसके साथ साथ जो स्पीड लॉसेज है उनके बारे में सोचने की जरूरत है। तीसरा डिफेक्ट लॉस, डिफेक्ट लॉस के लिए डिफेक्ट्स इन प्रोसेस एंड रिवर, देन रिड्यूस यील्ड बिटवीन मशीन स्टार्टअप एंड स्टेबल प्रोडक्शन, और इसके लिए हमें जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के बारे में सिक्स सिग्मा, सीपीसीपी के, इन सब के बारे में जानना हो, और इस तरह टीपीएम के जो विभिन्न भाग है ये बड़े अच्छे रिजल्ट देने जा रही है, और इंडियन कंडीशन में जो हमने इसको कन्वर्ट किया है वो बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। सम पीपल ट्राई टू मेक एवरीथिंग कॉम्प्लिकेटेड, बी द पर्सन हु ट्राइज टू मेक एवरीथिंग सिंपल, और हमने कोशिश की इसको बहुत सिंपल कर सके, और डीकेज मॉडल ऑफ सिंप्लीफाइड टीपीएम जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है डिफरेंट क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स का, ये नहीं कि केवल जेआईपीएम की बात हम कर रहे हैं या जूसे की बात कर रहे हैं यहां पर या टीपीएस की बात कर रहे हैं, हम इन सबको मिलाने की बात करी है, बेस्ट लेने की बात करी है, इंटीग्रेटेड वे में इसको लगाने की बात करी है, और ये बुक जो कि सबसे ज्यादा बिक रही है और इसको ज्यादा पढ़ेंगे, बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव, बड़े अच्छे रिजल्ट इसके द्वारा आ सकते हैं।
अभी टीपीएम तो हमने कर लिया, यानी हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जो सप्लायर हैं, वो जो माल सप्लाई कर रहे हैं, यदि उनकी प्रोसेस कैपेबिलिटी प्रॉपर नहीं है, उनके द्वारा गलत माल आ जाता है, नॉन स्टैंडर्ड माल आ जाता है, तो आपके यहाँ फिर दिक्कत आने वाली है। तो हमें जरूरत है सप्लायर को भी अपडेट करना, दे आर ऑल्सो ए पार्ट। इसी तरीके से हमारे जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट डे टू डे बदलती रहती है, हमें उस नीड को भी देखना है, और यदि हमने ऐसा कर लिया तो हम कहेंगे हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अचीव करने के लिए टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, टोटल प्रोसेस कंट्रोल की जरूरत है, और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है टोटल वेस्टेज कंट्रोल की जरूरत है। यदि हमने ये किया तो हम टीक्यूएम की तरफ जा रहे हैं। टीपीएम और टीक्यूएम कंसेप्ट नहीं है, एक फिलॉसफी है। अभी आप देखिए जीआरडी टाटा ने क्या कहा, वन मस्ट फॉर एवर स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस आर इवन परफेक्शन इन एनी टास्क हाउ एवर स्मॉल एंड नेवर बी सेटिस्फाइड विद द सेकंड बेस्ट। तो आप सेकंड बेस्ट नहीं रहना चाहते हो तो क्या करेंगे, कौन बेस्ट है हमें मालूम करना पड़ेगा, वो क्या कर रहा है, कहां तक कर रहे हैं हमें देखना पड़ेगा, और अल्टीमेटली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ साथ हमको बेंचमार्किंग भी करनी। ये बेंचमार्किंग हम अपनी इंडस्ट्री के लिए इंटरनल, अब तक हम कितना अचीव कर चुके विद इन कंट्री और विद इन द वर्ल्ड, और इस तरीके से हम वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। तो ये जो गैप आएगा, इस गैप को दूर करना है। गैप को दूर किया जा सकता है ज्यादा पैसा खर्च करके, लेकिन नहीं, ऑप्टिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी हमें ऑप्टिमाइज करना होगा, और इसके लिए लीन मैन्युफैक्चरिंग बहुत जरूरी है। आज नहीं तो कल हम सबको लीन मैन्युफैक्चरिंग पे आना ही होगा। क्या है लीन मैन्युफैक्चरिंग? लीन जो कॉस्ट को कम करने की बात करता है, मार्केट बेस्ड अप्रोच है, और ये जो लीन इज ए कल्चरल दैट फोकसेस ऑन ओपन माइंड थिंकिंग, चैलेंजिंग प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यहां पर कैसे करेंगे? लीन इज अबाउट लेस, क्या लेस? लेस टाइम, लेस इन्वेंटरी, लेस स्पेस, लेस पीपल एंड लेस मनी। इवन अपने घर में भी हमें इसको देखना पड़ेगा, कैसे करेंगे? वैल्यू एडिशन कैसे करें? देखिए अपना मोबाइल, आपने कितने का खरीदा है, उसका जो मटेरियल कॉस्ट है कितना है, से 10-15%, 20%, लेकिन वैल्यू एडिशन एवरी टाइम, हर बार उसमें कुछ वैल्यू एडिशन होता है और आपको लगता है यार ये मोबाइल नहीं, अब नया वाला ये लेना होगा, और मार्केट मोबाइल का कितनी तेजी से बढ़ रहा है आप देख रहे हैं। डूइंग मोर विद लेस, थोड़े से एफर्ट से ज्यादा कैसे करें, और एलिमिनेट वेस्ट, अभी देखेंगे ये वेस्ट क्या है। ये वेस्ट दो तरह का है, वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज। अब ये वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज ऐसा नहीं है कि कोने में चुपचाप बैठा हुआ है तो इसको निकाल के बाहर कर दो, ये पूरे में फैला हुआ है। लीन टूल की चलनी से इसको छानना होगा। तो यहां पर जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने 7 तरह के वेस्ट की बात करें, डिफेक्ट, ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग और मोशन। मोशन मीन्स आप झुक करके ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं अपने बॉडी को, यानी थकान आ रही है, ये सब ठीक नहीं है। शायद उन्होंने, उनके यहां पर वो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं इन 7 वेस्टेज के साथ एक बहुत बड़ा वेस्ट
हमारी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में है और वो है नॉट यूटिलाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल। अभी भी हमारे बहुत से सीनियर लोगों के दिमाग में ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क कर रहे हैं ये क्या कर पाएंगे, ये वर्कर से पढ़े लिखे नहीं है ये क्या कर पाएंगे। हम चंद लोगों के दिमाग का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें उनका भी इस्तेमाल करना है, कुछ दे के जाएंगे लेके नहीं जाएंगे। यदि ये स्टेप आपको याद रखने हैं आप ऐसे याद रख सकते हैं, डाउन टाइम, डिफेक्ट, पॉवर प्रोडक्शन, वेटिंग, नॉट यूटिलाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, मोशन। सो जरूरत किस बात की है, हम अपने एरिया में वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को देखें और सोचें कि नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को कैसे एलिमिनेट करें या कम कर सकें। एक छोटा सा उदाहरण याद कीजिए, आज से 20 साल पहले यदि आपको एक टिकट बुक कराना होता था रेलवे का तो कितना समय लगता था। घर में तैयार हुए, व्हीकल लीजिए, रिजर्वेशन ऑफिस जाइए, व्हीकल पार्क कीजिए, अंदर जाइए, फॉर्म लीजिए, लाइन लगाइए, फॉर्म भरिए, टिकट लीजिए, वापस आइए, और ये सब पूरी प्रक्रिया में 3 से 4 घंटे में हो गया तो हम लकी समझते थे। लेकिन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी कितनी थी, आपने फॉर्म भरा दिया, उन्होंने इंटर किया, टिकट दिया, आपने पैसा दिया, 3 मिनट, 3 मिनट वैल्यू एडिंग एक्टिविटी और बाकी सब नॉन वैल्यू। कभी सोचा था कि आज हम गाड़ी में बैठे बैठे जा रहे हैं मोबाइल के थ्रू और अपना रिजर्वेशन करा लेंगे? सब कुछ संभव है, केवल हमारे प्रयास की जरूरत है और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। सो लीन मैन्युफैक्चरिंग हमारी आज की जरूरत है, और लीन मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ये आएगा कैसे, जब तक जो बात हमने कही, हमें हर एक को नॉट यूटिलाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल, हमें 100% लोगों को इन्वॉल्व करना है। कैसे इन्वॉल्व करेंगे, यदि आप समझते हैं वो डेवलप नहीं है, हम डेवलप करें उनको, डेवलपमेंट की कोई सीमा नहीं है। कैसे डेवलप करेंगे, बड़ा सिंपल है। आप देखिए, जब अंग्रेज ब्रिटिशर्स थे वो हम लोगों को कुछ ऐसा ट्रीट करते थे कि दिमाग नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो जानते थे ये दिमाग लगाएंगे तो ब्रेन डेवलप होगा। अमेरिकन्स ने कहा नहीं भाई, इनके दिमाग है और ये बोल सकते हैं और अपने काम के बारे में ये दक्ष है और उसके सुझाव अच्छे दे सकते हैं, और इसीलिए अमेरिकन्स ने सजेशन स्कीम चालू कर। जापानीज ने क्या कहा, इनके दिल भी है दिमाग भी है और दिल और दिमाग सिंक्रोनाइज हो जाए, ये अपने कार्य में एक्सपर्ट हैं तो अपने कार्य क्षेत्र को बेहतर बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रह सकता है। अपने कार्य को, अपने जो मशीन है जिसपे काम कर रहे हैं उन पे, और इसीलिए इन्होंने दिल और दिमाग दोनों को इस्तेमाल की बात करें। अब आप देखिए, याद कीजिए अपने को बचपन में, हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा, एक सर्टेन पीरियड तक हमने पढ़ाई करी और जब हमको नौकरी मिल गई तो हमने सोचा बस अब आगे क्या जरूरत है। धीरे धीरे जो हमको याद था भूलते चले गए, जिसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन डेवलप करना है तो हमें ऊपर बढ़ना है। हमारे टीचर ने क्या किया था, अब बचपन को याद कीजिए, हम लोगों को सवाल दिए, सवाल क्या दिए, 3 किलो चावल 30 रुपए 90 पैसे का है तो 98 किलो चावल के दाम बताओ, और हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कभी किसी ने टीचर से नहीं पूछा कि 98 क्यों, पूरा 100 ले लो। किसी ने ये नहीं कहा कि 3 किलो के वो दाम थे, जब 98 किलो लेंगे तो बार्गेन करके सस्ता कराएंगे, नहीं, क्यों, हम चावल लेने नहीं जा रहे थे। उससे हमारे टीचर हमको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना चाहते थे। तो आज यदि हमें लोगों को डेवलप करना है, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना होगा। प्रॉब्लम सॉल्व बनाने के लिए उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा,
कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनको इंटरेस्ट आएगा, जो उनकी खुद की डे टू डे की वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, ना कि आप द्वारा दी गई, और अकेले नहीं ग्रुप में। तो यहां पर सेल्फ और म्यूचुअल डेवलपमेंट, हम भी अच्छे बने, आप सब भी अच्छे बने। म्यूचुअल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो उसमें टीम चाहिए, और टीम कब काम करेगी, जब टीम का लक्ष्य एक। लक्ष्य एक कब होगा, जब वो एक जैसा काम करने वाले लोग होंगे, या एक ही जैसा काम करने वाले लोग होंगे, तो उनकी प्रॉब्लम भी एक जैसी होगी, और आपस में मिल करके उसका समाधान ढूंढ सकेंगे। क्या करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को लेंगे, उसके कारणों को ढूंढेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। कौन सी प्रॉब्लम पहले लेंगे, याद करो बचपन में पहले हम क्या करते थे, सरल सवाल पहले ले। चैप्टर भी देखिए तीन भागों में बढ़ जाते थे, ए बी सी, ए में सरल सवाल होते थे, बी में कठिन, सी में और कठिन। यहां पर भी हमने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है 50, 60, 70 जो भी, उनको तीन भागों में बांटते गए, पहले हम सरल लेंगे, फिर कठिन, फिर और कठिन, और इस तरीके से हम व्यक्तियों को डेवलप कर सकते हैं। तो यहां पर जब डेवलपमेंट की बात आती है, आप देखिएगा उनके सलूशन निकलेंगे, और ये सलूशन जो होंगे ये दो तरीके के होंगे, या तो इनोवेशन होगा या काइजन। इनोवेशन, कुछ नया कर दिया, नया टेक्नोलॉजी, नया ब्रेक थ्रू, नया डेवलपमेंट जो आज तक अभी नहीं हुआ था। काइजन, जो कुछ ऑलरेडी डेवलप हो चुका है उसमें पुनः और सुधार लाना। तो इनोवेशन प्लस काइजन, ये जापानीज में है। काइजन क्या है, आप देखिए मसाकी माई, उन्होंने कहा काई चेंज, जेन फॉर बेटर, तो काइजन चेंज फॉर बेटर, चेंज फॉर बेटर, चेंज फॉर बेटर मीन्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कैसे करोगे, बड़ा सरल, जो भी प्रॉब्लम है आपने देखा है, या तो उसको एलिमिनेट कर दो, या उसको रिड्यूस कर दो, या सिस्टम ही चेंज करो। ये जो काइजन है, किसी ने अच्छा किया है, आप भी उसको करिए, उसको कॉपीड काइजन में जोड़ दें, जिससे कि लोग किसी के किए हुए पर निंदा न करके उसकी अच्छी चीज को लेकर के अपने आप इंप्लीमेंट करने की बात करें, और उनको रिकॉग्नाइज कीजिए फॉर द कॉपीड काइजन। अभी जो काइजन है प्लस इनोवेशन है, दिस बिकम द वे जापानीज ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और QCFI में हम इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं नहीं नहीं इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, नहीं भाई, कॉन्सेप्ट दो ही है, इनोवेशन काइजन। फिर ये क्या है, 5S, अरे वर्कप्लेस मैनेजमेंट, 1S, 2S, 3S हाउसकीपिंग है, उसको न करना पड़े, या कम समय, कम पैसे, कम मेहनत में हो जाए, ऐसा सलूशन निकालो, और वो होगा 4S, उसको पालन करना है 5S। तो जो सलूशन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, इनोवेशन काइजन, वेस्ट कंट्रोल कैसे करोगे, इनोवेशन काइजन, SME टीम, OKIOK, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम, प्रोडक्ट सर्किल, कॉज रिडक्शन, सिक्स सिग्मा, नेम एनी सिक्स सिग्मा, डिफेक्ट्स की बात कर रहे हो, वेरिएशन की बात कर रहे हो, बात कर रहे हो डिफेक्ट्स और वेरिएशन की, कंप्लीट कैसे, इसको हल कैसे करोगे, काइजन करना पड़ेगा या सिक्स या इनोवेशन करना पड़ेगा, जस्ट इन टाइम, ह्यूमन रिलेशनशिप, बेंच मार्किंग एटसेट्रा। सो फ्रेंड्स, ये जो काइजन है, हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। ये जो सामूहिक है, ये फिर दो भागों में बांट दिया, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड, एक ग्रुप बना दिया तो इसमें वर्क, अनस्ट्रक्चर्ड हमने थीम डिक्लेयर किया, लोग आएंगे कहेंगे हाँ भाई हम इसमें वर्क। ये जो स्ट्रक्चर्ड है, ये ग्रास रूट लेवल के लिए भी है, और सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट के लिए।
ग्रास रूट लेवल पे तो अभी अब तक उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन सीनियर मिडिल मैनेजमेंट तो रखे ही गए हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, केवल जरूरत है इनको स्टेप सीखने की, जरूरत है टूल्स एंड टेक्निक सीखने की और उसको अप्लाई करने की। यदि ये टूल्स टेक्निक सीख करके सिस्टमेटिक वे में अप्लाई करना शुरू कर दे और उसके बाद ये जो ग्रास रूट लेवल है हम इनको पहले डेवलप करें, और जिस लेवल पे डेवलप होते जाते हैं उस लेवल के आधार पर हमको प्रॉब्लम हल करने के लिए मिलते हैं। जो जो डेवलपमेंट होगा वो क्वालिटी सर्किल है, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो लीन क्वालिटी सर्किल या लीन सेफ्टी सर्किल। आइए इंडिविजुअल ग्रुप को देख लेते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी हमारे यहाँ इंडिया में काफी लोग इंटरेस्ट लेते हैं, व्यक्तिगत रूप से वो संस्थान के लिए भी कुछ कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत के रूप में भी। संस्थान के लिए जो किया है वो संस्थान रिकॉग्नाइज करेगी, लेकिन हर संस्थान को चाहिए, हर व्यक्ति से पूछे संस्थान को छोड़कर एक कोई काइजन बताओ जो आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, देश के लिए, गांव के लिए कुछ किया हो महीने में, और आप उसको डिस्प्ले कर दीजिए। अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सनल काइजन्स आएंगे, लोग एक दूसरे का जो पर्सनल काइजन है उसको देखेंगे और कितने सारे आइडियाज निकल करके आएंगे जिससे कि हम संस्थान में भी बेहतर बने और अपने घर में भी बेहतर बने। क्वालिटी सर्किल जैसे हमने बताया ये डेवलपमेंट के लिए, और डेवलपमेंट की कोई सीमा नहीं है। क्वालिटी सर्किल कॉन्सेप्ट जब 1962 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 95 में उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। जैसे संख्या घटती चली जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, तो पहले था पांच, कम से कम पांच, अधिक से अधिक 15, लेकिन अब ऐसा नहीं है, केवल स्मॉल ग्रुप कहा गया। सेम वर्क एरिया या दो एरिया के लोग एक दूसरे के वर्क को समझते हैं, उस एरिया में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लोग जो काम कर रहे हैं वो भी उनके साथ मिलकर के छोटा ग्रुप बना सकते हैं। ये ग्रुप 4 मेंबर का भी हो सकता है, अब अकेला तो नहीं होगा, एक दो तो बेटर है, 3-4, कम से कम 4 हो तो बेटर है, लेकिन ऐसा नंबर कुछ दिया नहीं गया है, इट्स ए स्मॉल ग्रुप। और इसमें स्वेच्छा वाली बात हटा करके ऑटोनोमसली एडमिनिस्टर, हमें लोगों को समझाना होगा, बताना होगा, और उसके बाद वो उसको स्वतः स्वीकार करें, और अल्टीमेटली इससे सेल्फ और म्यूचुअल डेवलपमेंट की बात आ रही है। यहां पर इस एक्टिविटी से उनकी कैपेबिलिटी डेवलप होगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात आएगी, और अपने कार्य क्षेत्र को वो बेहतर बना पाएंगे, अपने कार्य को बेहतर बना पाएंगे। यहां पर मध्यम और उच्च वर्ग के लिए भी जोड़ा गया इस परिभाषा में कि क्वालिटी सर्किल एक्टिविटी के साथ साथ जो सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट के लोग हैं वो कंपनी वाइड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम के माध्यम से इनमें कुछ वर्क करें और कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम को हल करना है और वर्क प्लेस यूटिलाइजेशन को बढ़ाने की बात करनी है। जहां तक मोटिवेशनल थ्योरी है, 3 बड़ी प्रसिद्ध थ्योरी है, मैस्लोज की थ्योरी, रोटी कपड़ा मकान, फिजिकल नीड, सेफ्टी नीड। ये दो नीड ज्यादातर संस्थान में जहां फुलफिल है वहां कारीगर सोचता है अब आगे क्या करें, वो चाहता है कि लोग मेरे को जाने, सोशल नीड आ जाता है। जब जानने लग जाते हो तो चाहता है लोग मेरे को माने, इगोइस्टिक नीड आ जाती है, और एक समय ऐसा आता है वो उनके अंदर इतना रम जाता है कि वो कंटिन्यूअस इसके द्वारा लोगों को हित करने की बात करता है, वहां पर
वो भूल जाता है कि मेरी फोटो खींच रही है कि नहीं खींच रही है, हम प्रथम आ रहे कि नहीं आ रहे, सेल्फ रेक्टिलाइजेशन तक पहुंच जाते हैं। मैजगल मैगरस की जो एक्स और वाई थ्योरी, एक्स थ्योरी में आदमी काम चोर है, काम करने नहीं चाहता, वाई थ्योरी नहीं, हर कोई काम करना चाहता है, और यहाँ पर ये प्रूव करता है क्वांटम सर्किल के माध्यम से कि लोग रियली काम करना चाहते हैं, वाई थ्योरी बिलोंग करते हैं। जहां तक हेजबर्ग की थ्योरी है, इन्होंने दो फैक्टर दिए थे, हाइजीन फैक्टर और इफेक्टिव मोटिवेशन। हाइजीन फैक्टर मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन नहीं होगा तो डीमोटिवेटिंग फैक्टर बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा है, और इसीलिए विभिन्न हाइजीन फैक्टर्स आजकल संस्थान में ध्यान रखा जा रहा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटर वर्किंग एटमॉस्फेयर जो 5S के माध्यम से मिलता है, और यदि ये आ जाए तो जो इफेक्टिव मोटिवेशन है वो आता है चैलेंजिंग वर्क। आज क्वालिटी सर्किल में, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम में, लीन क्वालिटी सर्किल में, लीन सेफ्टी सर्किल में हम क्या कर रहे हैं, चैलेंजिंग वर्क दे रहे हैं। वो प्रॉब्लम जो अभी तक थी वो उसको लेकर के सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई, लेकिन जब वो अचीव कर लेते हैं तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, वो खुशी आती है, और मैनेजमेंट ने टाइमली यदि उनको रिकॉग्नाइज कर दिया तो उनकी खुशी का ठिकाना रहता है, और इसीलिए यहाँ पर ये थ्योरी भी क्वालिटी सर्किल मूवमेंट या क्वालिटी कॉन्सेप्ट मूवमेंट को पूरी मदद करती है। जहां तक इसके स्ट्रक्चर की बात है, बहुत सारे मेंबर जो क्वालिटी सर्किल में वो मेंबर हैं, लेकिन जो अभी मेंबर नहीं बने हैं हम उनको पोटेंशियल मेंबर बोलेंगे, आज नहीं तो कल वो मेंबर बन सकते हैं। मेंबर आपस में मिलकर लीडर और डिप्टी लीडर चुनते हैं। डिप्टी लीडर 6 महीने के बाद लीडर बन जाता है, लीडर एक्स लीडर बन जाता है, और किसी एक व्यक्ति को डिप्टी लीडर चुन लिया जाता है। 6 महीने का पीरियड, फैसिलिटेटर और डिप्टी फैसिलिटेटर उन्हीं के विभाग का, और ये मैनेजमेंट उनको नियुक्त करती है। स्टीयरिंग कमेटी सीनियर लोगों का एपेक्स लेवल की कमेटी है, जिसका चेयरमैन मुख्यतः प्लांट हेड होता है। टॉप मैनेजमेंट बिना उनके आशीर्वाद के शायद हम ये कोई भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, और टॉप मैनेजमेंट वो है जिसको हर जगह सफलता मिली है, यहां पर उसको सफलता मिलती है। इन सब के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए एक कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट होता है, और एक कोऑर्डिनेटर उसमें नियुक्त किया जाता है। जरूरत पड़े तो ज्यादा कोऑर्डिनेटर, सीनियर कोऑर्डिनेटर, डिप्टी कोऑर्डिनेटर, ऐसे करके हम लोग अलग अलग डिजिग्नेशन भी लगा सकते हैं। यदि मल्टी यूनिट ऑर्गेनाइजेशन है तो कॉर्पोरेट लेवल पर भी कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। लीडर का रोटेशन ऑलरेडी हमने बता दिया, हर 6 महीने में डिप्टी लीडर लीडर बन जाता है, लीडर नॉर्मल मेंबर बन जाता है, एक्स लीडर बन जाता है, और कोई नया व्यक्ति रिमेनिंग उनमें से एक को डिप्टी लीडर चुन लिया जाता है। ऐसा करने से डिप्टी लीडर को मालूम है कि 6 महीने बाद हम लीडर बनेंगे, तो लीडर के एक्टिविटी को ध्यान से देखता है, सीखने की कोशिश करता है, और जब वो लीडर बनता है तो अपने पहले लीडर से कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है। जहां तक फैसिलिटेटर की बात, इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, एक फ्रेंड फिलोसफर और गाइड के रूप में। जो डिफरेंस है सदस्यों में और फैसिलिटेटर में, आप देखिए टास्क परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट, ये जो टास्क परफॉर्मर्स हैं इनके अंदर टेक्निकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज है, और मैनेजमेंट टीम इनके अंदर टेक्निकल नॉलेज है, बट इनके बीच का ये जो गैप है ये बहुत कम है, और कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें इसको बढ़ाया जा सके, एक्सेप्ट क्वालिटी सर्कल, लीन क्वालिटी सर्कल, लीन सेफ्टी सर्कल, क्वालिटी ग्रुपिंग। यहां पर हम प्रैक्टिकल नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज दोनों आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझते हैं, एक दूसरे को नॉलेज शेयर करते हैं, और धीरे धीरे ये जो कॉमन एरिया है ये बढ़ता चला जाता है। मीटिंग हफ्ते में एक दिन 1 घंटे के लिए, कई जगह ड्यूटी के बाद मीटिंग होती है, कई जगह बिटवीन टू शिफ्ट मीटिंग होती है, और कई जगह ड्यूटी के अंदर भी मीटिंग होती है। ये अपने कार और
कार्य की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। कई जगह लोग फोर्ट नाइटली मीटिंग करते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस 1/4 रह जाती, और यदि कोई महीने में एक बार मीटिंग करता है तो उसको इशिकावा जी ने स्लीपिंग सर्किल का नाम दिया। आपकी जो एक्टिविटी है वो इस तरह से अभी तो ऑनलाइन भेज सकते हैं, आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट कब से कब तक की है, सर्किल का नाम, एरिया, कितनी मीटिंग होनी चाहिए थी कितनी हुई, नंबर ऑफ मीटिंग्स का परसेंटेज क्या रहा, ए कितना है। ए मींस वो लोग जो कार में तो आए थे लेकिन मीटिंग नहीं अटेंड किया। डी वो लोग जो कहीं डिप्यूट कर दिए गए बाहर, जिसके कारण वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। जो लोग छुट्टी में रहते हैं उनको लीव लगा देते हैं, और जो लोग आते हैं वो हस्ताक्षर करते हैं। मीटिंग फैसिलिटेटर ने कितनी अटेंड की है, डिप्टी फैसिलिटेटर कितनी अटेंड की है, और एचओडी ने कितने मीटिंग मिनट्स को देखा है। फैसिलिटेटर और डिप्टी फैसिलिटेटर ने मीटिंग में सिग्नेचर की है कि नहीं किए, क्या प्रोजेक्ट लिया है और किस स्टेप पे वो लोग चल रहे हैं, और रिमार्क यदि कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे वो लोग रिमार्क लिख सकते हैं। ये इंडिविजुअल रिपोर्ट हर सर्कल की जाती है और कोऑर्डिनेटर उसको कंपाइल करता है एरिया वाइज डिपार्टमेंट, और इसको प्रेजेंट करता है स्टेयरिंग कमेटी के सामने। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, क्वार्टर सर्किल में हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उनके 12 स्टेप्स हैं। पहला काम, क्वार्टर सर्किल बनने के बाद, लीडर डिप्टी लीडर का चुनाव होने के बाद, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के माध्यम से अपने कार्य से संबंधित जितनी समस्याएं हैं हम उनको नोट करने की बात करते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। अब ये समस्याएं 3 भागों मार सकते हैं, ए बी सी, जो आप स्वयं कर सकते हैं, दूसरे के माध्यम मिलकर के कर सकते हैं, या कठिन है शायद नहीं कर पाएंगे, या मैनेजमेंट के माध्यम से कर पाएंगे। इस तरीके से हमने 3 कैटेगरी में बांटा। जो ए टाइप की प्रॉब्लम है एक बार पढ़िए और लोगों से पूछिए क्या इसका सलूशन है, जिसका तत्काल सलूशन आ जाए उसको लागू कर दीजिए और A/K लिख दीजिए। मान लीजिए 72 प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करी, उसमें 43 ए टाइप की थी, उसमें से 7 का सलूशन इंस्टेंट निकल आया, बचे 36। ये 36 प्रॉब्लम ए टाइप की आप या तो डिस्प्ले कर दीजिए या एक एक करके पढ़िए, और जितने मेंबर है हर एक कोई उसमें से एक प्रॉब्लम चुने। अब ये 6 लोग मेंबर है तो अधिक से अधिक 6 प्रॉब्लम होगी। ये भी हो सकता है सबने एक ही प्रॉब्लम चुनी हो, लेकिन ऐसा दोनों ही संभव नहीं है। आप देखेंगे कि कुछ लोग सेम प्रॉब्लम 2 लोगों ने चुन ली है, तो 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, जो भी आई उनका रैंकिंग मेथड कीजिए। रैंकिंग का क्या क्राइटेरिया है वो भी डिसाइड कीजिए, और इस तरीके से जो प्रॉब्लम रैंकिंग में प्रथम आई है पहले उसको लीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जो भी। जब ये पूरा ग्रुप खत्म हो जाए तो फिर से ये एक्सरसाइज कीजिए। जब ए टाइप की प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो हम बी टाइप की भी हल करेंगे। लेकिन हर साल यदि आप 3 या 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपके पास 3-4-5 नई प्रॉब्लम भी जुड़ जाती है, आप उनको भी जोड़ते रहिए। वो ए कैटेगरी की हो सकती, बी की हो सकती, या सी की हो सकती। प्रॉब्लम एक बार आपने चुन लिया, प्लान कीजिए कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा, टेंटेटिव प्लानिंग है, और अपने माइलस्टोन के साथ इसको रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। यदि आपको परमिशन मिल गई, अभी प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए,
प्रॉब्लम है क्या, अपने प्रोसेस को बताइए और किस जगह प्रॉब्लम आ रही है उसको बताइए। उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या है? उद्देश्य हम क्या चाहते हैं, लक्ष्य कितना चाहते हैं। एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, हमने देखा है ज्यादातर नहीं कहेंगे कुछ सर्कल्स, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम में कहां से सीखा है लिख देंगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम, हु विल सॉल्व इट। अरे भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम डिफाइन में बता चुके हो, वेयर इज द प्रॉब्लम डिफाइन में बता चुके हो, ये व्हाट वेयर के लिए नहीं है। 4W1H लगेगा, आपको देखना है ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है, कब कब आती है, कितनी आती है, कैसे आती है। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें कुछ पैसा भी लगता होगा, मैन पावर लगती है, अगले डिपार्टमेंट को कुछ नुकसान होता है, पिछले डिपार्टमेंट को नुकसान होता है, आपको क्या नुकसान होता है। इन सबके डेटा चाहिए, ये डेटाबेस है। तो यदि आपने अपनी केस स्टडी में कहीं लिख दिया है व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, वेयर इज द प्रॉब्लम, यहां पर प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, प्लीज करेक्ट कर लीजिए, वरना चौथे स्टेप में आपको 0 नंबर मिल सकता है। आप समझ गए, कोई भी प्रॉब्लम है कब कब आती है उसके डेटा देने, कहाँ कहाँ आती है, कितने कितने बार आती है, इसको जब हल करते हो तो कितना मटेरियल लगता है, कितना मैन पावर लगता है, कितना मशीन के कितना समय लगता है, अगले डिपार्टमेंट को क्या दिक्कत आती है, पुराने डिपार्टमेंट को क्या दिक्कत है, यहाँ प्रोडक्शन में क्या लॉसेज होते हैं, ये सब डेटा देने। जब आपने कर लिया 5W1H में से 1W Y, इसको सेपरेट दिया गया है, आप कॉजेस निकालिए। कॉजेस निकालने के बाद जो लास्ट स्टेप होता है, आगे हम आपको दिखाएंगे, वो होता है रूट कॉजेस, प्रोबेबल रूट कॉजेस। वो प्रोबेबल रूट कॉजेस को हमें देखना होगा, इसमें कौन सा इस पर इफेक्ट डालना है, जितने इफेक्ट डाल रहे हैं, मान ली 4 या 5 इसमें इफेक्ट डाल रहे हैं, तो वो कितना कितना डाल रहे हैं उसकी डेटा एनालिसिस की जरूरत है। और उसके बाद हम सोल्यूशन डेवलप करेंगे, सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में जो हमने फाइनल किया है इंप्लीमेंट करने जाए, इसके पहले देखना होगा इसका कोई विरोध तो नहीं होगा, क्या क्या संभावित विरोध आ सकता है और है उसका क्या सोल्यूशन। इसके बाद हम ट्रायल करेंगे, यहां PDCA लगेगा, प्लान कौन सा इक्विपमेंट लेने जा रहे हैं, कौन उसमें मशीन, कौन उसमें चेंज करेगा, कौन मटेरियल लाएगा, कब करेंगे, क्या, ये सब प्लान करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, फिर उसे हमें चेक करना पड़ेगा, और ये रिजल्ट अपने फेवर में है तो मैनेजमेंट को बताना है, अप्रूवल लेना है, और मैनेजमेंट ने जब इसको अप्रूव कर दिया तो रेगुलर इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, लेकिन हम लोग उसमें बराबर देखेंगे और फॉलो अप रिव्यू भी करते रहेंगे। तो साथियों ये 12 स्टेप, आप जो क्वालिटी सर्कल की बुक है उसको एक बार फिर ध्यान से पढ़ लीजिए, और यदि आपने कुछ गलत किया है तो उसको ठीक कर लीजिए, और वो हमारे यहाँ पर इवैल्यूएशन के लिए भेज सकते हैं। सस्टेनेंस ऑफ क्यूसी मूवमेंट, कैसे इसको सस्टेन करें, सस्टेन करने के लिए ये हमारे सीनियर्स हैं, जब वो मूव करते हैं क्वालिटी सर्कल मेंबर्स को देखते हैं, लिसनिंग उनको केयरफुली सुनने की बात है, उनको गाइड पढ़ाने की बात है, उनको सहायता करने की जरूरत है, एक एपेक्स लेवल स्टेयरिंग कमेटी फॉर्म हो। और यदि मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो हम एरिया वाइज स्टेयरिंग कमेटी बना देंगे, और एरिया वाइज स्टेयरिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे, एरिया वाइज कोऑर्डिनेटर भी होगा, और इनकी मीटिंग हर महीने होगी। मीटिंग में जितने भी प्रोजेक्ट उस महीने में कंप्लीट हुए हैं एरिया कोऑर्डिनेटर द्वारा मैनेजमेंट के सामने रखे जाएंगे,
क्वालिटी सर्किल टीम बाहर खड़ी है, एक एक करके पहले उनको बुलाएंगे अपनी मीटिंग में, शुरुआत के वेलकम के बाद एक एक करके, और उनसे पूछना है कि भाई आपने क्या प्रोजेक्ट लिया, क्या किया, क्या कहना है, विद इन 5 to 7 minutes। और उसके बाद चेयरमैन एरिया स्टीयरिंग कमेटी किन्हीं 2 सीनियर लोगों को डिप्यूट कर देगा कि जाकर इसके फिजिकली इनके प्रोजेक्ट को देखिए और उसके आधार पर अप्रूवल लायक है तो उसे अप्रूव कर दीजिए। जब ऐसा हो गया, प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, उनको कुछ टोकन गिफ्ट दिया जाए, और सबको नहीं, जितने भी क्वालिटी सर्किल के मेंबर है उनकी अटेंडेंस देखिए, जिनके 60% से ज्यादा अटेंडेंस है उस पूरे प्रोजेक्ट के समय पर, केवल उनको ही टोकन गिफ्ट दिया जाए। टोकन गिफ्ट हाउस होल्ड आइटम होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा कि हर कोई मीटिंग में आने की बात करेगा, जिससे कि जब प्रोजेक्ट सफल हो तो वो भी उसका एक भागीदारी। जब प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया तो स्टीयरिंग कमेटी वहां के एचओडी से पूछेगी भाई इसको पूरे में कैसे इंप्लीमेंट करना है, और उसकी प्लानिंग करेंगे। जो एरिया है, इवोल्यूशन ऑफ ईच एरिया एंड बेस्ट सर्किल की भी जरूरत है। हम बेस्ट सर्किल हर एरिया में निकाले, जितने भी एरिया हैं उनमें कौन सा एरिया बेस्ट है, कौन सा जोन बेस्ट है, कौन सा क्षेत्र बेहतर है, हम उसका इवोल्यूशन करें। और उसके लिए बेस्ट सर्किल के लिए हर क्षेत्र से हम देखेंगे कि मीटिंग कितनी उसकी हुई है, अटेंडेंस क्या रही है, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, 4 पर ईयर होनी चाहिए, स्पेशल एक्ट्री कोई की क्या है, और उसका रजिस्टर मेंटेनेंस, रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं। लेकिन एरिया वाइज के लिए हमको देखना पड़ेगा कि वो जो एरिया स्टैंडिंग कमेटी है कितनी उन्होंने मीटिंग करी है, हर महीने मीटिंग होनी चाहिए, टोटल एम्प्लाई में से कितने लोग अभी मेंबर है, उनकी मीटिंग्स कितनी हो रही है, उनके प्रोजेक्ट कितने अप्रूव हुए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस क्या है। ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए कोई कंट्रोवर्सी आने की बात नहीं। बेस्ट जोन रनिंग सीट दी जाए, बेस्ट और सेकंड बेस्ट, जनवरी टू जून की परफॉर्मेंस के आधार पर आप 15 अगस्त को दे सकते हैं, जुलाई और से दिसंबर का आप 26 जनवरी को दे सकते हैं, या जैसा मैनेजमेंट उचित समझे वो रनिंग सील देने की बात है। क्यूसी मेला, क्विज कंपटीशन, कवि सम्मेलन, पोस्टर ऐसे कंपटीशन और इस तरह के तमाम क्रिएटिव कंपटीशन चालू करने चाहिए। क्वालिटी सर्किल लंबे समय से चल रहा है, अभी स्वाभाविक है कुछ क्वेश्चन आने लगे। हम क्वालिटी सर्किल में कहते हैं ये लोगों के डेवलपमेंट के लिए, और अब क्वेश्चन क्या है आप देखेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट आफ्टर क्यूसी। हम बात तो कर रहे हैं 1982 से क्वालिटी सर्किल फॉर लोगों के डेवलपमेंट के लिए है, लंबे से में डेवलप कर रहे हैं, आगे क्या बीओसी टाइप की प्रॉब्लम का क्या होगा। जैसे हमने कहा 36 प्रॉब्लम बची, ये 4 प्रॉब्लम भी अपने हर साल हल किया तो 9 साल लगेंगे, तो क्या बीओसी की प्रॉब्लम 9 साल बाद ली जाएगी, वो भी तब जब रजिस्टर में ऑलरेडी मेंशनड है, लिखा हुआ है ये प्रॉब्लम है। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है कि 2 या 3 लोग ही एक डिपार्टमेंट में है, सर्किल कैसे बनाए, और नहीं बना पाएंगे, सबको नहीं इन्वॉल्व कर पाएंगे तो टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट कैसे हो। बहुत सारे हमारे क्वालिटी सर्किल के मेंबर जो सिस्टमेटिक वे में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो इतने यूज्ड हो जाते हैं कि कई बार प्रॉब्लम देखते उनको सलूशन आ जाता है, इंस्टेंट आइडिया क्या करें। जब इंस्टेंट आइडिया फिर से उनको कहा जाता नहीं, वो तो क्वालिटी सर्किल का प्रोजेक्ट बनाओ, तो छोटा सा आइडिया है लेकिन प्रोजेक्ट बनाने में उससे कहीं ज्यादा समय लगता है, और जबरदस्ती तमाम सारी चीजें डालनी पड़ती है। मैनेजमेंट इंटरेस्टेड गेन में, क्वालिटी सर्किल में कहते भाई ये गेम के लिए नहीं है, इनके डेवलपमेंट के लिए है, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम ली है जो उनको सरल हो।
सजेशन इसकी बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे लोग इंडस्ट्री बदलते रहते हैं, और हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है। तो जब दूसरे इंडस्ट्री में जाते हैं तो ये नहीं कहते कि वहां पैसा चल रहा है, वो आइडिया देने की बात करते हैं, लेकिन सजेशन स्कीम जैसे आपको मालूम है कि ज्यादातर सजेशन देने वाला कोई होता है, करने वाला कोई होता है। सजेशन देने वाले को इनाम मिलता है, करने वाले को कुछ शायद नहीं मिल पाता, जिसके कारण सजेशन स्कीम फेल हो जाती है। कैसे इसको एक्टिवेट करें? मैनेजमेंट कई बार चाहती है यार ये प्रॉब्लम लोग ले उसको हल करें, बट क्वालिटी सर्कल में आप नहीं दे सकते। तमाम हमें मालूम है इसका प्रॉब्लम का ये सलूशन है, सिंपल सा सलूशन है, फिर भी हम उसको प्रेजेंट करने के लिए पैरेटो डायग्राम, हिस्टोग्राम, ये सब चीज जबरदस्ती डालते हैं। कैसे इसको दूर करें? तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस अब नहीं चलेगा। तो क्या करना है? 1982 से हम लोग क्वालिटी सर्किल कर रहे हैं, बहुत सारे सर्कल्स को देखा है, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस देखे, लेकिन ये बात जब हम सोच रहे थे तो एक बात दिमाग में आई कि क्यों ना हम इसको भी लीन करने की बात करें। हमने दो एक्सपेरिमेंट किए, मैनेजमेंट के सामने रखा, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, एक एनटीपीसी लार्ज स्केल में, स्मॉल में पार्ले, और अल्टीमेटली लोगों ने उसको अप्रिसिएट किया। 2010 में हमने इस लीन क्वालिटी सर्कल को डेवलप किया। फॉर्चुनेटली 2010 में इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी इसको हमने प्रेजेंट किया, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। 2011 में जापान में जब इंटरनेशनल कन्वेंशन था तो उन्होंने हमको इसे इनॉग्रल सेशन में इसको प्रेजेंट करने का मौका दिया, जिसको कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और आज बहुत सारी लीन क्वालिटी सर्किल के प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, और शायद अभी तक कोई सिल्वर लाया होगा, ज्यादातर गोल्ड लेकर के आ रहे। लीन क्वालिटी सर्किल एक क्रॉस फंक्शनल टीम है ग्रास रूट लेवल के लिए। तो इसको जब हमने डेवलप किया, आज इसकी अलग एक बुक है, और इसके साथ साथ अभी लीन सेफ्टी सर्किल को डेवलप किया है। तो है क्या क्वालिटी सर्किल, लीन क्वालिटी सर्किल? एक छोटा ग्रुप, कितना छोटा, 2 मेंबर, एक उनका बॉस फैसिलिटेटर, तो नॉन एग्जीक्यूटिव 2 हो गए मिनिमम, जरूरत पड़े में 3-4 भी होंगे, जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चाहिए उसकी नॉलेज है। ये प्रॉब्लम खुद भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम बैंक से ले सकते हैं, और मैनेजमेंट इनको प्रॉब्लम दे सकती है। ये अपने इमीडिएट बॉस से हेल्प लेंगे, वो फैसिलिटेटर के रूप में, मेंटर के रूप में, और को प्रोजेक्ट ओनर के रूप में इसमें काम करेगा। क्वालिटी सर्किल की तरह फैसिलिटेटर यहां प्रेजेंट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, उसको प्रेजेंटेशन का भी मौका मिलेगा, और टेक्निकल चीजों को प्रेजेंट करने में उसका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यदि हमें किसी दूसरे डिपार्टमेंट की मदद के मेंबर की जरूरत पड़ती है, हम उसको भी साथ में ले लेते हैं, और इस तरीके से ये एक छोटी सी टीम बन जाती है और प्रॉब्लम को लेती है, सॉल्व करती है। ये रियल वे में प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप है लीन क्वालिटी सर्किल। उसी तरीके से लीन सेफ्टी सर्किल, ये सेफ्टी की प्रॉब्लम को लेता है, ये भी एक क्रॉस फंक्शनल टीम है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम, ये सीनियर लोगों के लिए और मिडिल मैनेजमेंट के लिए क्रॉस फंक्शनल टीम है, लेकिन तीनों में जो कार्य पद्धति है बिल्कुल एक जैसी है। क्वालिटी सर्किल डेवलपमेंट के लिए हम वहां पर 12 स्टेप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम, लीन क्वालिटी सर्किल, लीन सेफ्टी सर्किल, ये प्रोजेक्ट सॉल्व कर के लिए है। इसलिए इसकी थोड़ी मेथडोलॉजी और सिंपल आप देखेंगे कैसे कार्य करता है। पहली बात,
सिलेक्शन अ प्रॉब्लम। यहां पर प्रॉब्लम इंस्टेंट भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम मैनेजमेंट भी दे सकती है, और आप प्रॉब्लम बैंक से भी प्रॉब्लम ले सकते हैं। प्रॉब्लम बैंक कैसे क्रिएट करेंगे? सुपरवाइजर अपने ऑपरेटर्स को महीने में एक बार एक 10 मिनट के लिए छोटे से ग्रुप में बुला करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि भाई उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है अपने एरिया में, या फर्दर इंप्रूवमेंट कहां हो सकता है। खाली प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व करनी, फर्दर इंप्रूवमेंट कहां और हो सकता है। थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग नोट डाउन करें। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर को लेकर के, मैनेजर एग्जीक्यूटिव को लेकर के, एंड सीईओ मैनेजर्स को लेकर के, नॉर्मली 4 या 3 जो भी हायरार्की है उसके आधार पर हम इसको कर सकते हैं। जो भी आपके यहाँ डिजिग्नेशन है उसके आधार पर मेन चीज है यहाँ पर 4 ग्रुप, एक काम करने वाला है, उनके ऊपर सुपरवाइज करने वाला है, मैनेज करने वाला और सीनियर एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर ग्रास रूट लेवल हाउसकीपिंग पर्सन, स्वीपर से लेकर के टॉप तक के जो भी प्रॉब्लम्स है या जो एरिया फॉर इंप्रूवमेंट है वो ब्लैक एंड व्हाइट में आ गए। अब ये हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन पहले उसको डिपार्टमेंट वाइज बांट दीजिए और हर डिपार्टमेंट के हेड को उनके यहाँ की आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम या एरिया फॉर इंप्रूवमेंट दे दीजिए। डिपार्टमेंट हेड उसको 3 भागों में बांट देगा, कौन उनके ग्रास रूट के लेवल के लोग कर सकते हैं, कौन डिटेल मैनेजमेंट कर सकता है, कौन सीनियर एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं। उनको एक एक करके बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे और उनकी चॉइस के आधार पर हम उनको प्रॉब्लम देते जाएंगे। जो प्रॉब्लम लेगा वो प्रोजेक्ट लीडर होगा, जो उनका बॉस है वो को प्रोजेक्ट ओनर भी होगा और फैसिलिटेटर का भी काम करेगा। मेंबर जो नीड बेस, उस प्रोजेक्ट के लिए हमें किसकी जरूरत है, वो उनके एरिया का भी हो सकता है, वो दूसरे डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, हम उसको क्वाट कर लेंगे। यहां तक प्रोजेक्ट लिया, टीम बना दी, उसको रजिस्टर करा दीजिए कोऑर्डिनेटर के पास। मीटिंग, नो ऑफिशियल मीटिंग। आपको जब जिस समय जरूरत पड़े दिन में 6 बार मिलना है, जहां पर प्रॉब्लम वहां खड़े होकर डिस्कस कर सकते हो, बैठ करके रूम में डिस्कस कर सकते हैं, फोन से डिस्कस कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। आप केवल इतना ध्यान रखो कि जो भी प्रोग्रेस हो रही है वो प्रोजेक्ट लीडर उसको नोट करता जाए। यहां प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप की बात है, क्योंकि प्रॉब्लम ऑलरेडी आपने या तो इंस्टेंट ले ली या मैनेजमेंट ने दे दी या प्रॉब्लम बैंक से लिया, तो जो 12 स्टेप हमारे थे यदि आप इसको ध्यान से देखें, पहले 2 स्टेप तो चले गए ना, सीधे आगे हम 3rd स्टेप, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। 3rd स्टेप क्या है? डिफाइन द प्रॉब्लम, जैसा क्वालिटी सेंटर में किया था एग्जैक्ट भी वही करना। देन एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, जैसे हमने बताया यहां पर प्रॉब्लम को मेजर करना है, इसलिए यहां पर नाम मेजर लिख दिया। मेजर कीजिए प्रॉब्लम, कब आती है, कहां आती है, कितने बार आती है, डेटा चाहिए। अब प्रॉब्लम को मेजर करने के बाद आपने उसको एनालाइज किया, केवल वाई 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 से रूट कॉज निकल आया तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पैरेटो की जरूरत नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाया, तमाम सारे रूट कॉज निकाले और जब वैलिडेट किया तो 1 या 2 ही रूट कॉज निकले, डेटा एनालिसिस की जरूरत नहीं है। लेकिन मान ली 4-5 निकल आए तो डेटा एनालिसिस की भी जरूरत है। तो स्टेप नंबर 5, 6, 7 नीड बेस है, जरूरत है तो अप्लाई कीजिए, नहीं जरूरत है तो मत अप्लाई कीजिए। जहां तक इंप्रूवमेंट की बात है, जो प्रोजेक्ट लिया है निश्चित रूप से आप डिफरेंट आइडियाज निकालेंगे, सोल्यूशन डेवलप करेंगे, ये भी सोचेंगे कोई इसका विरोध ना करे, उसका ट्रायल भी करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। लेकिन यहां पर आप जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको ये
स्टेप नंबर 8, 9, 10, 11 दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली बताना है कि आपने क्या इंप्रूवमेंट की, अल्टीमेटली आपने क्या इंप्रूवमेंट किया और उससे क्या फायदा हुआ। और लास्ट कंट्रोल, जो 12वां स्टेप था, हम इसको कैसे सस्टेन करें। तो कितना सिंपल हो गया। तो यहां पर यदि आपने केस स्टडी क्वालिटी सर्कल के हिसाब से नहीं ली है, सलूशन मालूम था, कर लिया है, अब लीन क्वालिटी सर्कल उसको प्रेजेंट कीजिए। प्रोजेक्ट का अप्रूवल हो जाए, इंसेंटिव मैनेजमेंट के ऊपर है, कैसे उनको देते हैं। अब एलक्यूसी जो है, ये बॉटम अप अप्रोच है। आप देखिए यहां पर हम 100% इवन जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है ना, हम उनको भी प्रोजेक्ट देंगे, क्या होगा, छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन 100 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को आपने दिया है तो 15-20-25 तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे के जाएंगे भाई, कुछ लेके जाए, कुछ मिलेगा ही, कुछ जा नहीं रहा है। जो छोड़ के चले गए हम दूसरे को देंगे ऊपर। ये मैनेजमेंट का सपोर्ट इसमें हर लेवल पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिफरेंस बिटवीन सजेशन स्कीम एंड एलक्यूसी, जैसा पहले बताया, सजेशन स्कीम में सजेशन देने वाला कोई, करने वाला कोई। यहां पर सजेशन देने वाला और करने वाला दोनों मिल करके लीन क्वालिटी सर्कल बना रहे हैं, और जहां ये इंप्लीमेंट होगा उसका जो बॉस है वो उसका फैसिलिटेटर है। यानी ये ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है कि इंप्लीमेंटेशन भी आसान हो जाएगा, रिकॉग्निशन भी सबको मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी सर्किल एलक्यूसी, क्वालिटी सर्किल एक डेवलपमेंट के लिए है, और जैसे 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 आप डेवलप होते जाएंगे, लीन क्वालिटी सर्किल के माध्यम से आप प्रोजेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्वालिटी सर्किल में 6 मेंबर है, 7 मेंबर है, लेकिन कितना सब बराबर से तो डेवलप नहीं हो गए, कितना वो डेवलप हुए हैं उनके आधार पर वो प्रोजेक्ट ले सकते हैं और उनको हल कर सकते। तो लीन क्वालिटी सर्किल बता रहा है कि क्वालिटी सर्किल में आपकी इफेक्टिवनेस कितनी है, कितना डेवलपमेंट आपका हुआ है, इसे एसिड टेस्ट। तो यूजिंग द ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग, जितना ज्यादा ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट। अभी कई लोग कहते हैं क्या क्वालिटी सर्किल बंद कर देना है, नहीं भाई, क्वालिटी सर्किल डेवलपमेंट के लिए। आप देखिए एक इलेक्ट्रेट वर्कर है, क्या काम कर रहा है, उसने थोड़ा डेवलप किया अपने को, इस लेवल पे आ गया और डेवलप किया, इस लेवल पे आ गया और डेवलप किया, इस लेवल पे आ गया, और इस तरीके से आप देखिए ये डेवलपमेंट है और उसका रिजल्ट आउटकम है। और हमने कितने लोगों को देखा है जिन्होंने क्वालिटी सर्किल के माध्यम से किस लेवल तक डेवलप किया है। हमारे हम गर्व के साथ कहते हैं, हमारे एक डायरेक्टर नितिन, जो कि आज हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी है और चेयरमैन औरंगाबाद चैप्टर है, उन्होंने भी अपना कैरियर क्वालिटी सर्कल से स्टार्ट किया। कितने लोग हैं हम गिरा सकते हैं जिन्होंने क्वालिटी सर्कल से अपना कैरियर को इम्प्रूव किया और आज शीर्ष स्तर पर है। जब एक प्रेजेंटेशन में प्रोफेसर कानो, जो लोग जानते हैं, अक्सर वो कहते हैं दो स्ट्रेटेजी, ए स्ट्रेटेजी और जे, ए अमेरिकन स्ट्रेटेजी सजेशन स्कीम, जे जापानीज स्ट्रेटेजी काइज़न। उनके प्रेजेंटेशन के बाद मेरा प्रेजेंटेशन था, हमने एक ही बात कही कि हम एक दूसरी तीसरी स्ट्रेटेजी लाने जा रहे हैं, वो है आई स्ट्रेटेजी, इंडियन स्ट्रेटेजी, जिसमें हम काइजन को, क्यों काइजन का तो रूप ही है लीन क्वालिटी सर्किल आपने देखा, और जो ए सजेशन स्कीम है हम उसको भी कारगर साबित करने का इसमें सिस्टम बनाया हुआ है। सो आई स्ट्रेटेजी जो कि दोनों को शामिल करती है। कहते हैं कि जब समथिंग इज नॉट वर्किंग डोंट चेंज योर ड्रीम, जस्ट चेंज योर अप्रोच। तो यहां पर अभी आपने देखा क्या कि इनोवेशन और काइजन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे
आइडिया निकल के प्रोजेक्ट निकल के आएंगे या तो इनोवेशन होगा या ज्यादातर काइजन। लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए बेशक कुछ टूल्स और टेक्निक की जरूरत पड़ती है, स्टेप की जरूरत पड़ती है जो अभी बताया था। तो हमें लोगों को टूल्स और टेक्निक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप और किस स्टेप में क्या टूल्स टेक्निक लगता है ये पढ़ाने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि जितने भी टूल्स टेक्निक सब कुछ पढ़ा दिया जाए, नीट बेस लेवल वाइज उनको पढ़ाने की जरूरत है। तो यहां पर यदि आप इशिकावा जी का स्टेटमेंट देखिए कि 90% ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ डेटा स्ट्रेटिफिकेशन हिस्टोग्राम एंड कंट्रोल चार्ट्स। अमंग द कॉजेस ऑफ द नॉन कन्फॉर्मेंस ओनली 1/5 आर लेस आर एट्रीब्यूटेबल टू द वर्कर्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक यदि हम इसको सिस्टमेटिक वे में प्रॉब्लम को हल करना है तो बहुत जरूरी है। टेक्निक्स को पहले लेते हैं, पीडीसीए, माइलस्टोन चार्ट, गैंट चार्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रायोरिटी नंबर रैंकिंग मेथड एंड फ्लो डायग्राम। पीडीसीए डॉक्टर डेमिंग ने दिया, प्लान डू चेक एक्ट प्लान। इशिकावा जी ने क्या किया, इसको 6 भागों में बांट दिया, सेट ऑब्जेक्टिव एंड गोल और उसको कैसे अचीव करोगे। डू, अरे भाई पहले उसको एजुकेट करो, ट्रेन करो, तब उसको करने को बोलो, उसको चेक भी करो और अप्रोप्रिएट एक्शन। 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप। और अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के बाद 7वां स्टेप, आपने एक्शन तो ले लिया, उसका परिणाम क्या आया, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्शन टेकन, दैट इज द 7th स्टेप, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसीलिए आज आप ये देखिए पीडीसीए, प्लान टू चेक और अप्रोप्रिएट एक्शन लो। एक्शन लेने के बाद आपने देखा रिजल्ट क्या आया, ये तो ठीक नहीं है तो फिर से प्लान करो। लेकिन चेक किया और पाया सब कुछ ठीक है तो क्या करोगे, उसको स्टैंडर्डाइज कर दो और सब जगह चेक करो, स्टैंडर्डाइज, डू चेक और अप्रोप्रिएट एक्शन लो। लेकिन आपने देखा सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड जो हमने बनाया था इंप्लीमेंट हो गया, सब कोई फॉलो कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, चेंज द स्टैंडर्ड। व्हेन यू आर चेंजिंग द स्टैंडर्ड, जब आप चेंज कर रहे हो स्टैंडर्ड तो कैसे उसको और सख्त बनाएंगे, कैसे और इंप्रूव करेंगे, प्लान करो, डू चेक एक्ट। और इस तरीके से कंटिन्यूअस हम लोग डेली रूटीन मैनेजमेंट की बात करते हैं, कंटिन्यूअस हम डे टू डे में अपने को कैसे इंप्रूव करें। एक्टिविटी चार्ट 2 तरीके के हैं, माइलस्टोन चार्ट, आज 15 नवंबर को अगले साल मैरिज है, अभी से प्लान कर लिया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये डेट डाल दी, ये यहां से यहां तक हो जाएगा, यहां से सब एक्टिविटीज को आपने नोट कर लिया और ये यहां तक हो जाएगा, ये यहां से यहां तक हो जाएगा, माइलस्टोन चार्ट। यही चीज यदि मैं गैंट चार्ट में बनाई नहीं है, बड़ा सिंपल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हमने यहां पर इस तरह से बनाया और यहां लिख दिया 4 तारीख से शुरू होगा, 10 तारीख को खत्म हो जाएगा, और इस तरीके से सब जगह बना दिया, तो हो गया गैंट चार्ट। कोई भी चार्ट बनाइए, बोथ आर एक्टिविटी चार्ट। ब्रेन स्टार्मिंग एलेक्स ऑसबर्न ने इसको दिया, और इनका 3 तरह की ब्रेन स्टार्मिंग, स्लिप मेथड, फ्री व्हीलिंग या अनस्ट्रक्चर्ड और राउंड रोबिन मेथड। स्लिप मेथड, हम इसमें लोगों से उनके विचार लेते हैं, हमें नाम नहीं चाहिए, आज SMS के थ्रू, WhatsApp के थ्रू, कैसे भी थोड़े से समय में तमाम लोगों से हम आइडियाज निकाल सकते हैं।
लेकिन आइडिया को हिचहाइक नहीं कर सकते, एक आइडिया से दूसरा आइडिया नहीं बना पाती, ये नेगेटिव पॉइंट है। आइडिया जिसने दिया है हम उसके आइडेंटिटी नहीं जानना चाहते, इसलिए उसने क्या कहना चाहा है ये हम समझ नहीं पाते हैं तो हम पूछ नहीं सकते। अनस्ट्रक्चर्ड और फ्री विलिंग, आपके सामने एक बड़ा समूह है, आपने उसे लोगों से क्वेश्चन करना शुरू किया, लोग फटाफट आइडिया दे रहे, थोड़े से समय में बहुत सारे आइडिया निकल के आ जाते हैं। आइडिया हिचहाइक भी करते हैं, दूसरा का आइडिया सुन करके भी लोग आइडिया दे देते हैं, लेकिन जो स्लो थिंकर्स है वो इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। स्ट्रक्चर्ड राउंड रॉबिन मेथड, ग्रुप में बैठ गए, एक लीडर होगा, एक एक से आइडिया लेगा, एक बार में एक व्यक्ति एक ही आइडिया देगा। ये छोटे ग्रुप में ही अप्लीकेबल है, बड़े ग्रुप में अप्लीकेबल नहीं है। यदि आइडिया नहीं है तो पास बोल देगा। यहां पर आइडिया है हिचहाइक तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े ग्रुप में इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जो सोच है दो तरह की, लॉजिकल क्रिएटिव। लॉजिकल सोच में जो आंसर होगा वो हमेशा एक ही होगा। यदि आपका प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा है, तीन टेक्नीशियन को अलग अलग दे दो, यदि रियली वो एक्सपर्ट है तो जो रियल फॉल्ट है कहां पर है वही पूछेंगे। लेकिन जो क्रिएटिविटी है वो यूनिक है। क्रिएटिव आइडियाज कितने तरीके के आ सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। यहां पर जेपी गिलफर्ड ने क्रिएटिविटी पे काफी अध्ययन किया और इन्होंने पाया कि क्रिएटिविटी पांच पॉइंट पे निर्भर करती है, पांच चीजें हैं क्रिएटिविटी को टेस्ट कर सकते हैं। फ्लुएंसी, रेट ऑफ आइडियाज, एक दी गए समय में कितने सारे आइडिया निकाल सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, कैटेगरी ऑफ आइडियाज, कितने तरह के आइडिया कैटेगरी ऑफ आइडियाज निकाल सकते हो। ओरिजिनलिटी, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अनकॉमन वंस, अलग हटके। अवेयरनेस, द एबिलिटी टू सी एंड इमेजिन बियॉन्ड इमीडिएट फैक्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट, ड्राइव, willingness to contribute and achieve the end goal without the fear of the failure. Flow diagram is a EG arm chair journey. ये तीन तरीके का है, high level, matrix और detail. एक simple सा example लेते हैं, आपको घर में बेसन का पकौड़ा बनाना है, कढ़ी बनानी है, पकौड़े कढ़ी बनानी है। High level flow diagram क्या कहता है, ये किया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सिंपल। लेकिन मैट्रिक्स में होगा तो हर स्टेप में और क्या क्या कर रहे हो उसको भी आपको देने की जरूरत है। मैट्रिक्स फ्लो डायग्राम में वो जो स्टेप थे हाई लेवल के, इनमें भी आप क्या क्या कर रहे हो, तो हर एक में, तो ये मैट्रिक्स फ्लो डायग्राम हो गया। डिटेल फ्लो डायग्राम, यहां पर कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, टर्मिनल सिंबल जो स्टार्ट या एंड में ही रहेगा, इसमें स्टार्ट लिखेंगे या एंड। एक्टिविटी सिंबल, एक्टिविटी को लिखते हैं। डिसीजन सिंबल, यस या नो। डॉक्यूमेंट सिंबल, यदि आपने खाते में डेटा लिखा है तो। डेटाबेस सिंबल, ये यदि आपने इलेक्ट्रॉनिकली उसको स्टोर किया है तो। कनेक्टर, जब पेज भर जाए तो एक को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर। यदि यहां पर हमने ए लिखा है तो वहां भी ए लिखेंगे, अल्फा लिखा तो अल्फा लिखेंगे। फ्लो लाइंस, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। अभी आप देखिए यहां डिटेल फ्लो डायग्राम, अपने को मटेरियल चाहिए स्टोर से, तो मटेरियल चाहिए, डेटाबेस पे गए, आपने देखा मटेरियल है कि नहीं है, है रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया, मटेरियल मिल गया, कहानी खत्म। नहीं है तो इंडियन ड्रेनेज करना पड़ेगा, इंडियन रिसीव हुआ, इज इट ओके, नो तो दोबारा, यस सेंड इंक्वायरीज। लाइक दिस वे हम डिटेल फ्लो डायग्राम बनाते हैं। डॉक्टर जुरान ने जो यहां पर कहा
डिटेल प्रोग्राम बनाने के बाद हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। कैसे? सारे डिसीजन सैंपल देखो, क्या सही डिसीजन लिया है। एक्टिविटी सैंपल देखो, क्या एज पर एसओपी हमने काम, वहां काम हो रहा है। रीलुक, कहां पर आ रहा है, क्या कारण है। और डेटा आपने कलेक्ट किया है तो क्या कलेक्ट किया है। डेटा ये इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हुआ है तो क्या उसका कैलिब्रेशन सही है। न्यू 7 टूल्स, डेटा कलेक्शन, स्ट्रेटिफिकेशन, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, पैरेटो एनालिसिस, स्कैटर डायग्राम, हिस्टोग्राम, ग्राफ एंड कंट्रोल चार्ट्स। अभी आप देखिए, डेटा कलेक्शन दो तरह के डेटा है, मेजरेबल डेटा जिसको हम कंटिन्यूअस डेटा या वेरिएबल डेटा भी कहते हैं, एट्रीब्यूट डेटा जिसको हम डिसकंटिन्यूअस डेटा या डिस्क्रीट डेटा भी कहते हैं। डेटा कलेक्शन फॉर प्रोवाइडिंग साउंड बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग एज राइट डिसीजन कैन बी मेड बाई कलेक्टिंग रिलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट डेटा। डेटा जब आप कलेक्ट कर लेते हैं हम उसको स्ट्रेटिफाई करते हैं। डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं, डेटा सीट और उसके बाद उन डेटा को जब हम स्ट्रेटिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, कैसे करते हैं, आइए पैरेटो डायग्राम में भी मैंने वर्गित किया है, वहां पर दिखाते हैं। लेकिन पहले पैरेटो डायग्राम है क्या? विल्फर्ड पैरेटो, जिन्होंने जो सोशियो इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पर अध्ययन किया और पाया कि 80% से ज्यादा धन 20% लोगों के पास है। आज की तरह कहानी बदल चुकी है, कुछ और भी हो सकती है, ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेशन, ये उस समय की बात। लॉरेंज ने सेम स्टडी करी और उन्होंने क्या देखा, जो सबसे ज्यादा जिसके पास धन है उसके पास सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, और जोड़ते चले गए और कर्व देखा कि जब कर्व तेजी से आगे बढ़ रहा है और जहां से कर्व स्लो मूव किया उन्होंने देखा वही स्थिति है कि जहां से स्लो मूव करता है यानी जिनके पास कम पैसा है वो करीब 80% है, इधर अप्रोक्सीमेटली 20% जिनके पास मेजर पैसा है। डॉक्टर जुरान ने इसको दूसरे रूप में देखा कि जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं तमाम कारण होंगे लेकिन आप पाएंगे चंद कारण हैं जो प्रॉब्लम को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। और उन्होंने एक यूनिवर्सल फिनोमेना दिया, वाइटल फ्यू यूजफुल मैनी, और जो चित्र के माध्यम से बनाया जिसमें उन्होंने लॉरेंज कर्व को भी रखा और पैरेटो की बात भी रखी, लेकिन उनकी ग्रेटनेस देखो, उन्होंने इस चित्र को पैरेटो के नाम पे पैरेटो डायग्राम दिया जबकि इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो डॉक्टर चुरान का है। अभी आप देखिए, आज 20,000 पीसेस में से हमने डिफेक्टिव पीसेस निकाले, 1500 निकले। क्या क्या डिफेक्ट थे, यहां डिफेक्ट कोड में डाल दिया और जो थोड़े थोड़े थे 2-3-4 पीस 10 पीस उनको हमने अदर्स में डाल दिया, ओ अदर्स, और इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। ये तो हो गया आपका स्ट्रेटिफिकेशन, कैटेगराइजेशन। अब इसका परसेंटेज निकाला, क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाला और इसके आधार पर हम यहां पैरेटो डायग्राम, और इस पैरेटो डायग्राम में कॉर्नर से हमने लिया है, कुछ लोग सेंटर से भी ले लेते हैं। ध्यान रहे ये 1500 क्या है, जो मैक्सिमम डिफेक्ट आए थे। कई बार लोग इस ग्राफ को यहां तक ले जाते हैं और यहां से करके दिखाते हैं, वो सब गलत है, पैरेटो डायग्राम इसी तरीके से बनेगा। आप कॉर्नर या सेंटर ले सकते हैं, जब आप सेंटर लेंगे तो ध्यान रखें
इसके ऊपर यहाँ पर जो सेंटर है वो आना चाहिए, यानी इस जगह पर आना चाहिए, इसको नहीं टच करेगा, क्योंकि जब सेंटर को ले रहे हो तो ये सेंटर भी तो आएगा। अभी ये जो लॉरेंज कर्व ऑफ कंसंट्रेशन है, यानी कर्व तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां से शार्प टर्न करता है वहां से लाइन खींचनी है, ये वाइटल व्यू, ये यूजफुल भी नहीं। कई लोग क्या करते हैं 80% पर, पता नहीं कहां से 80-20 कर दिया, 80% पर लाइन खींचते हैं, इट्स नॉट करेक्ट। करेक्ट ये है कि कर्व तेजी से बढ़ रहा है, जहां से शार्प टर्न करता है वो लाइन खींचनी है, ये वाइटल व्यू है, ये यूजफुल भी नहीं। और यदि ये शार्प टर्न नहीं करता है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, कर्व आ रहा है दूसरे तरह का, बो टाइप का आ रहा है, शार्प कर्व नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो डॉक्टर जुरान ने कहा था वाइटल फ्यू यूजफुल मैनी, जो यूनिवर्सल फिनोमेना है, इसका मतलब ये गलत है। लेकिन गलत नहीं है वो, हमने कहीं डेटा कलेक्शन गलत किया है, हमने डेटा स्टेटिफाई गलत किया है, और या हमने सैंपलिंग गलत की है, इसलिए ऐसे पर विश्वास नहीं कर सकते। तो पैरेटो डायग्राम एक तरह का वैलिडेशन है, जो हमने डेटा लिया है वो रियली करेक्ट है कि नहीं, वो करेक्ट है तो ये कर्व ऐसा ही आएगा, अदरवाइज कहीं पर कोई गलती। जब आपने प्रोजेक्ट लिया, इन पे कुछ वर्क किया, हो सकता है इन पे भी वर्क किया हो, तो कुछ तो इंप्रूवमेंट आएगा। थोड़ी देर के मानते हैं, अभी 1500 डिफेक्ट निकले थे 20,000 पीस में से, अब 450 निकले, तो बिफोर बनाया है पैरेटो तो आफ्टर भी बनाना होगा। कैसे बनाएंगे आफ्टर? आप देखिए, आफ्टर पैरेटो बनाने के लिए आपने यहां पर 1500 लिया था, तो 1500 इक्वल टू 100% था, लेकिन अभी यहां पर 460 को लिया है तो वो बराबर 100% हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड का स्केल नहीं बदलेगा, राइट साइड का स्केल आज की स्थिति के आधार पर, पहले वो 1500 था तो वो बराबर 100% था, अभी घर के 460 हो गया तो वो बराबर 100% आएगा, और इस तरीके से ये दिखाएगा कि रियली इंप्रूवमेंट है। तो यदि आपने पैरेटो बनाया तो बिफोर और आफ्टर भी बनाइए। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, आउट ऑफ 7 टूल्स अकेला ये टूल जिसमें डेटा नहीं है, ये 3 तरीके का है। डिस्पर्सन एनालिसिस, नॉर्मली नए सर्किल के लिए डिस्पर्सन एनालिसिस पर ही हम लोग शुरू में जोर देते हैं 1 या 2 साल, इसमें पहले हम हेडर बनाते हैं और फिर हम के कारण को निकालते हैं। देखिए इसमें दोष यही है कि आज हमने कहा मैन मशीन मटेरियल मेथड, या आप क्रिकेट में हार गए, आपने उसका बनाया और हेडर डाल दिया, बैटिंग फील्डिंग जो भी हेडर्स आपने डाले, तो आप जब बैटिंग की बात करेंगे तो सब लोग बैटिंग की कमी बताएंगे, फील्डिंग की बात करेंगे तो फील्डिंग की बात बताएंगे, बॉलिंग की बात करेंगे तो बॉलिंग की बात बताएंगे, एनवायरमेंट की बात करेंगे तो एनवायरमेंट की बात बताएंगे। यानी ट्रॉम लाइन थिंकिंग हो गई, जहां हम पूछ रहे हैं अब वही बता। लेकिन कॉज इल्यूमिनेशन मेथड, इसमें पहले हम सारे कॉजेस को निकालते हैं और उनके एफिनिटी के आधार पर हम उनको बांटते हैं और फिर हेडर डिसाइड करते हैं। फिर हम जितने भी कॉजेज देखते हैं, क्या वो कारण है या किसी का उपकारण है, फिर जो रह गए उनमें भी देखते हैं इसके कारण उपकारण क्या हो सकते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस क्लासिफिकेशन में पहले हाई लेवल फ्लो डायग्राम बना लो और हर स्टेप पे देखो क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसके रूट कॉजेस को निकालो और वैलिडेट करो और उसका सलूशन निकालो। आइए देखते हैं एक एक करके। कई बार लोग कहते हैं वाई एनालिसिस उसके बात कर रहे होते हैं, अरे भाई जब आपने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाया है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या है, ये तमाम सारे वाई वाई एनालिसिस को मिलाने के बाद जो चित्र बना वो देखने में मछली की तरह था, जिसको फिशबोन डायग्राम दिया गया, कुछ लोगों ने इशिकावा दिया, और अल्टीमेटली कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, और जापानी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड GIS उन्होंने इसको 7th टूल के रूप में, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के रूप में इसको स्वीकार किया।
अब देखिए, आप जब कभी भी प्रॉब्लम ये है, क्यों है इसके कारण, क्यों है इसके कारण, क्यों है इसके कारण, क्यों इसके कारण, तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम रूट कॉज पर वाई वाई यहां लगा रहे हैं। हमने पूछा ये क्या है, क्यों है, ये क्या है, इसलिए, ये क्यों है, इसलिए, क्यों है, इसलिए। तो ये जो लास्ट में आया आपने उसको राउंड कर दिया, जितने भी लास्ट में आए आपने उसको राउंड कर दिया, और इस तरीके से जितने भी राउंडेड है ये प्रोबेबल रूट कॉज है। फिर हम इनको देखते हैं कि एक्चुअली ये है या नहीं है। प्रोडक्शन प्रोसेस क्लासिफिकेशन टाइप में देख लीजिए, आपने ये हाई लेवल फ्लो डायग्राम बनाया और यहां पर हर एक स्टेज में हमने देखा, जब कोई बनाते हैं हर स्टेज में देखना है कि क्या क्या कमियां हो सकती हैं, और उसके आधार पर हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाते हैं। स्कैटर डायग्राम, ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है। यदि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई उस पर डिपेंड करता है, तो एक्स का कंट्रीब्यूशन वाई पे कितना होगा, 100 R² अधिक से अधिक कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है, 100। सो 100 R² = 100, तो R² = 1, तो R = +-1, इसका मतलब R की वैल्यू +-1 के ऊपर नहीं जा सकती। R हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन 50% तो हो भाई, तो 100 R² / 50, तो R² = 0.5, R = 0.7, यानी कोफिशिएंट कोरिलेशन R 0.7 के ऊपर है, तो हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली बेटर है। तो यहां पर मीन, मीडियन और मोड, ये तीन मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी है जो स्टेटिस्टिक्स में बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हमको बताता है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, और उसके आधार पर हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। और यह है क्या, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने 50 ग्राम के दो कंपनियों के पांच पांच पैकेट लिए, 50 50 ग्राम के, ये पांच रीडिंग आपको वेरिएशन मालूम पड़ा है, 100 होगा तो नहीं मालूम पड़ेगा। अभी आपने क्या किया, उनके एवरेज किया, दोनों बराबर, एवरेज से उनका वेरिएशन देखा, यहां भी देखा बराबर है, लेकिन वो जो x-x bar है, ये हम उसका स्क्वायर कर दे, इधर y-y bar का स्क्वायर कर दे, अब टोटल देखते हैं तो यहाँ 40 आ रहा है या 10 आ रहा है। मीन्स इंपॉर्टेंट चीज है x-x bar, इसको हमने लेकर के यदि हम इसको जितने भी हमने ऑब्जर्वेशन दिए उसको डिवाइड कर दे, स्क्वायर किया था स्क्वायर रूट कर दो, सो दिस बिकम स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। लेकिन ये आपके पास सैंपल है, मींस आपका कुल 50 रीडिंग है, और 500 के आधार पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, ये फार्मूला लगेगा एन, यहां पर एन आया है। लेकिन यदि आपने पीसेस तो 10,000 बनाए, बल्क में बनाए हैं, और थोड़े से पीसेस लेकर के हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, तो यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो n-1 डिनोमिनेटर में आएगा, और यहाँ s लिखेंगे, s√σx-x^2 n-1। हिस्टोग्राम, कार्ल पियर्सन ने हिस्टोग्राम को दिया, हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज ए समरी वेरिएशन इन ए प्रोडक्ट और प्रोसेस। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम देखते हैं हमने 2 किलो लड्डू लिए, 1 किलो में 32 वाले, 64 लड्डू। आज इसका हिस्टोग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। पहली चीज हमको कैलकुलेट करनी होगी, यहां पर लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल,
आप देखिए लीस्ट काउंट ऑफ स्केल यहां लिखा है 1 ग्राम। रेंज आर हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू इज 24, हाईएस्ट 37, तो डिफरेंस कितना आ गया 13, तो रेंज हो गया 13। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ऑलरेडी हमने बुक में दिया हुआ है, अप टू 50 रीडिंग्स है तो 6, 51 टू 107, 101 टू 208, 201 टू 509, 501 टू 1010। तो चूंकि यहां 64 रीडिंग है तो K की वैल्यू 7 है। क्लास विड्थ R प्लस W अपॉन K 13, क्लास रेंज W 1, K 7, तो ये 2 आ गया। जब 2 आ गया तो अब क्लास इंटरवल निकालेंगे। पहले मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, तो सबसे कम कितना आया था 24, तो 24 माइनस W बाई 2 माइनस 23.5। अब जो क्लास इंटरवल होता है उसकी पहली बाउंड्री तो निकल आई, उसमें क्लास विड्थ जोड़ दो, क्लास विड्थ कितना है 2, जोड़ दो तो उसकी अपर लिमिट निकल आई। और इस तरीके से हम यदि इनके क्लास इंटरवल को देखें तो 23.5, 25.5 पहला निकला। अब ये 25.5 सेकंड लेवल पे मिनिमम, उसमें 2 और जोड़ दिया, ऐसे जोड़ते चले गए और ये हमारे क्लास इंटरवल्स आ गए। अब वो जो रीडिंग्स है इसके आधार पर अपने को टेली मार्क लगाना है। कैसे लगाएंगे टेली मार्क? अब देखिए पहला पढ़िए 35, 35 कहां आता है इन दोनों के बीच में, तो टेली मार्क यहां लगेगा 1। दूसरा है 30, 30 कहां आएगा इन दोनों के बीच में, यहां लगेगा। इस तरह के एक एक करके पढ़ते जाइए और टेली मार्क लगाते चले जाइए। जब ये 4 हो गए यहां पर तो पांचवा जब हम लगाएंगे यहां आएगा, ऐसे लगाएंगे और इस तरीके से ये पूरे टेली मार्क लग गए, ये फ्रीक्वेंसी आ गई और इसके आधार पर हिस्टोग्राम बना लेते हैं। और बना करके यदि मान लो हिस्टोग्राम बना के हम ऐसे कर्व देते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसमें क्या है, प्लस माइनस 1 सिग्मा, 68.27% रीडिंग यहां पर होंगे, प्लस माइनस 2 सिग्मा में 94.45% रीडिंग होगी और प्लस माइनस 3 सिग्मा में 99.73% रीडिंग। यहां पर हिस्टोग्राम जब आप बनाते हैं ये कुछ एसिमेट्रिक स्क्यूड टाइप आता है, इसका मतलब एक तरफ रीडिंग यहां पर आप देख रहे हैं, एक तरफ तेजी से गिरा है विद मोर ऑब्जर्वेशन राइट साइड में आ रहा है। ये जो पैटर्न है ये हमको बताता है कि एक साइड की रीडिंग ज्यादा हो रही है, स्क्यूड निगेटिव भी हो सकता है। कभी कभी आप देखते हैं कि कस्टमर ने एक लिमिट दे दी है, इसके ऊपर रीडिंग नहीं आनी चाहिए, आपने क्या किया उसके ऊपर की रीडिंग को बाहर कर दिया या उसके नीचे की रीडिंग को बाहर कर दिया, ऐसा सेग्रीगेशन करके यदि आपने बनाया है तो ये कुछ ऐसा रीडिंग आएगी, ट्रंकेटेड टाइप या क्लफ टाइप कुछ ऐसा आता है हाथी के सूंड की तरह। तो ये बताता है कि आपने लॉट में से जो रीडिंग लिमिट के बाहर थी उसको आपने बाहर कर दिया एक साइड। दोनों साइड बाहर करेंगे तो ये कर्व कुछ ऊपर की तरफ लटकता हुआ आ जाएगा। ये दो तरह का मिक्सचर, दो मशीनों का, दो दिनों का, दो तरह का माल मिला दिया है तो ये डबल पीक की तरह आएगा। और यदि आपने सही स्केल का इस्तेमाल नहीं किया है मेजर करने के लिए या बोगस किया है तो ये कॉम टाइप का आएगा। कई बार आपका लॉट है थोड़ा कम पड़ गया, आपने कोई दूसरा मिला दिया उसको जिसका स्पेसिफिकेशन कुछ थोड़ा डिफरेंट है तो ये आइसोलेटेड पीक आ जाएगा। और कई तरह का दिन का अलग अलग माल
या अलग अलग मशीनों का माल बचा हुआ है एक साथ मिला करके दे दिया है तो प्लेटो टाइप का आ जाएगा। तो इस तरीके से हिस्टोग्राम बताता है कि जो आउटकम, जो सप्लाई हुआ माल, उसकी कैटेगरी क्या है, किस टाइप का है। यहां पर हम लोग प्रोसेस कैपेबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपके प्रोसेस ही कैपेबल नहीं है तो आप क्या कर पाएंगे। तो कैपेबिलिटी, प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, अपर स्पेसिफाइड लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफाइड लिमिट, माने गिवन बाय मैनेजमेंट, सॉरी कस्टमर ने जो आपको दिया है, डिवाइड बाय 6। और यदि एक से कम है तो बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना। अचीव कैपेबिलिटी इंडेक्स सीपी बेटर है 1.5 के ऊपर हो। अचीव कैपेबिलिटी इंडेक्स सीपी के ये है, आपने क्या अचीव किया है, कैपेबिलिटी है लेकिन आप पूरा अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए। तो यहां पर एवरेज कम और ज्यादा होने से ये डिफरेंस आएगा, इसीलिए यहां एवरेज को कंसीडर किया है। अपर स्पेसिफाइड लिमिट माइनस एवरेज डिवाइड बाय 3 सिग्मा, और एवरेज माइनस लोअर स्पेसिफाइड लिमिट डिवाइड बाय 3 सिग्मा, विच एवर इज लेस। ग्राफ जो विलियम प्लेफेयर और टीएस लैम्बर्ट ने दिए, 4 तरह के बेसिक ग्राफ है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई पिक्टोरियल। आप जानते हैं लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, कुछ डेराइव ग्राफ्स है, आई देखते हैं एक करके। बेल्ट ग्राफ, जो आपने बार ग्राफ बनाया था उसी को 3 कंपोनेंट है, तीनों को जोड़ दिया, तो यहां पर तीनों का टोटल भी आ रहा है और तीनों को अलग अलग भी आ रहा है। एरिया ग्राफ, यदि हमने 3 चीजें हैं यहां पर भी, फेलोर, अप्रेजल, प्रिवेंटिव। यदि आप जैसे यहां पर था, यदि मान लो इसको हम गए फेलोर, प्रिवेंटिव, मेजर, जो 3 कैटेगरी, और इनको आपस में मिला दे और इस तरह से लाइन दे दे, ये स्ट्रेटा ग्राफ बन जाएगा, जिसको हम एरिया ग्राफ भी कहते हैं। फ्लोट ग्राफ, कितने परसेंट अचीव किए तो कितने डूब गए, तो जो जितना अचीव किया वो फ्लोट कर रहे हैं आप, फ्लोट ग्राफ। रडार ग्राफ, एक ही गिवन टाइम में अलग अलग, मान लीजिए आपका टेस्ट लिया गया है, पैरेटो कॉज इफेक्ट, स्टेरिफिकेशन, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, और पहले क्या पोजीशन थी वो यहां पर थी, ट्रेनिंग के बाद क्या पोजीशन है, ये पोजीशन है, तो ये बता रहा है कि इंप्रूवमेंट तो आया है, लेकिन उसके साथ साथ क्या बता रहा है, अभी इसमें ज्यादा गैप है, यहां बहुत ही ज्यादा गैप है, तो यहां पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश और ज्यादा है। इस तरीके से हमें ये भी बताता है कि कहां पर ज्यादा गैप है, कहां कंसंट्रेट करना चाहिए। कंपाउंड ग्राफ, ये पैरेटो डायग्राम है, साइड बाई साइड पिरामिड ग्राफ आप देख रहे हैं, हम इजीली देख सकते हैं कि टोटल क्या है और मेल फीमेल कितने हैं। जी ग्राफ, इनफैक्ट दिस इज जेड, लेकिन चूंकि ज्यादातर ये अमेरिकन से सीखा ग्राफ वगैरह, और वहां पर जेड को जी बोलते हैं, जी ग्राफ। यहां पर ये लाइन ग्राफ है सिंपल, ये क्यूमुलेटिव ग्राफ है, जनवरी में, जनवरी फरवरी, जनवरी मार्च, इस तरह करके, और ये लास्ट में 12 महीने का हो गया, ये 12 महीने का, पिछले 12 महीने का क्यूमुलेटिव है। तो इस तरीके से ये जी ग्राफ बन गया। कंट्रोल चार्ट्स, ये अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, जैसे शेवर ने कहा एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकता, कुछ तो वेरिएशन होगा, लेकिन वेरिएशन एक विद इन लिमिट है, जिसको हम कहते हैं चांस कॉजेस। और यदि अपर लिमिट या लोअर लिमिट के ऊपर चला गया है वो असाइनेबल कॉज कहलाता है। जो कंट्रोल चार्ट है उसमें एवरेज एंड रेंज चार्ट, एक्स बार आर चार्ट, और इंडिविजुअल एंड रेंज चार्ट, एक्स आर चार्ट, और मूविंग रेंज चार्ट, डिफेक्टिव और डिफेक्ट्स। डिफेक्टिव
एनपी चार्ट, एनपी चार्ट, एनपी चार्ट जब फिक्स सैंपल साइज है और वेरिएबल सैंपल साइज है तो पी चार्ट, इसी तरीके से डिफेक्ट में फिक्स सैंपल साइज है तो सी चार्ट, वेरिएबल सिंपल साइज है तो यू चार्ट। और जब वेरिएबल आप देखिए एनपी चार्ट, क्योंकि फिक्स सैंपल साइज है, अपर लिमिट आप देख रहे हो एक लाइन है, लेकिन यहां पर अपर लिमिट चेंज हो रही है, लोअर लिमिट चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि सैंपल साइज चेंज हो रहा है। यहां पर सी चार्ट अपर लिमिट सेम है, क्यों? क्योंकि सैंपल साइज फिक्स है, यहां पर सैंपल साइज चेंज हो रहा है इसलिए अपर कंट्रोल लिमिट भी चेंज हो रहा है। रन कंटिन्यूअसली 7 पॉइंट आ जाने का मतलब एक ही साइड में कि हमारा प्रोसेस रन कर गया, मींस माल भारी जा रहा है या माल हल्का जा रहा है। ट्रेंड अभी कुछ है, फिर कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, लगातार 7 पॉइंट आ जाते हैं, दिस शोज द ट्रेंड। और इन दोनों स्थिति में हमें इंस्टेंट डिसीजन लेने की जरूरत है, इसीलिए रन चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जहां कंट्रोल चार्ट की बात है, आप देखिए इसके लिए सिंपल फार्मूला है, ये फार्मूला क्या है? अपर कंट्रोल लिमिट बराबर एवरेज प्लस 3 सिग्मा, लोअर कंट्रोल लिमिट बराबर एवरेज माइनस 3 सिग्मा। जो डेटा आपके पास है उसका एवरेज तो आप निकाल ही सकते हैं, खाली सिग्मा की वैल्यू निकालने की जरूरत है। जहां तक एक्स बार आर और एक्स आर चार्ट में रेंज भी दिया हुआ है, तो अपर कंट्रोल दोनों के केस में अपर कंट्रोल लिमिट आर बराबर डी फोर आर बार, लोअर कंट्रोल लिमिट आर इज डी थ्री आर। डी फोर और डी थ्री की वैल्यू आपको हमेशा दी जाती है, ये न्यूमेरिकल में आएगा तो, और स्टेटिस्टिकल बुक में आपको ये मिलेगा। अभी वापस आते हैं, हमने बताया सिग्मा की वैल्यू आपको मालूम हो जाए तो 3 से मल्टीप्लाई करके उसके एवरेज रीडिंग में जोड़ देंगे तो अपर लिमिट, घटा देंगे तो लोअर। तो सिग्मा की वैल्यू, थैंक्स स्टैटिशियन, उन्होंने हमको सिंपल फार्मूले दिए एक्स बार आर चार्ट के लिए, ए टू आर बार बाई थ्री, आर रेंज है एवरेज रेंज, ए टू ये वैल्यू आप स्टेटिस में स्टैंडर्ड दिया हुआ है, आपने जो रेंज है वो कितने के बीच का लिया है, 2 के बीच का, 3 के, 4 के, 5 का, उसके आधार पर ए टू की वैल्यू देख सकते हैं। मूविंग रेंज चार्ट एक्स आर चार्ट, आर बार बाई डी टू, डी टू की वैल्यू दी हुई है, आर बार एवरेज मूविंग रेंज है। एनपी चार्ट, एनपी चार्ट में एन नंबर ऑफ पीसेस, पी परसेंटेज, तो यहां एन तो सब जो सैंपल साइज एंड पी परसेंटेज, तो एनपी चार्ट, देन पी चार्ट, पी चार्ट परसेंटेज बाई डिवाइड बाई एन, एंड सी चार्ट सिंपल अंडर रूट सी बार। सी क्या है? नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन ए फिक्स सैंपल साइज। एंड यू चार्ट अंडर रूट यू बार डिवाइड बाय एन। सो यहां पर आप इसके माध्यम से सिग्मा की वैल्यू निकाल लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एवरेज में जोड़ दीजिए, अपर लिमिट घटा दीजिए, लोअर लिमिट। तो इस तरीके से अपर लिमिट और लोअर लिमिट के आधार पर हम ग्राफ भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ट्रेडिंग ऑन पीएसएस एंड पीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक दिन में नहीं है, एक घंटे में भी नहीं है, ये 4-5 दिन लगते हैं, प्रैक्टिकली करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब इसमें हम उसका अभ्यास कर पाते हैं। लेकिन ये सीखने के लिए हमने देखा कि तभी हो सकता है जब हम एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें। और ये लर्निंग एनवायरनमेंट कहां से क्रिएट हो?
जो हमने अपना अनुभव रहा है कि वो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा यदि हम 5S वर्क प्लेस मैनेजमेंट पहले चालू करें। और इसीलिए किसी भी संस्थान में कहते हैं फर्स्ट यू पहले आप 5S से शुरू कीजिए, ये GHS चाहिए तो यहां से स्टार्ट करना है। कैसे? पहले ये कीजिए, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, लोगों को लगेगा कि हमें स्वच्छ वातावरण वाला एरिया मिल रहा है, उसको इंप्रूव करने का भी उनका कंट्रीब्यूशन होगा, उनको खुशी होगी और उसके लेवल पर धीरे धीरे आप PSS और PST बताते जा रहे हैं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो काइजन और इनोवेशन करने लग जाते हैं और उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और ये जो डेवलपमेंट है ये लीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाता है, जिससे कि हम अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम बेंचमार्क देख सकते हैं हम कहां पर हैं एंड अल्टीमेटली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं और वो हमको वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग तरफ ले जाता है, जिससे कि हमारे अंदर ग्रोथ, हैप्पीनेस और सस्टेनेंस आता है। सो वर्क प्लेस मैनेजमेंट है क्या भाई? ये रियल वर्ल्ड में स्वच्छ भारत अभियान चाहिए तो 5S को ही सही ढंग से इंप्लीमेंट करना है क्या? बड़ा सरल, पहला एस सीएरी रीऑर्गेनाइज करना, उसके लिए सॉर्ट आउट करो काम का सामान, बिना काम का और काम का सामान, जो काम का सामान है उसको सुव्यवस्थित ढंग से रख दो, हर एक चीज की जगह होनी चाहिए, हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए, प्रैक्टिकली यही दो काम करने हैं। एक्सक्लूसिवली ये हम करते हैं साल में 2-3-4 बार घर में भी संस्थान में, लेकिन डे टू डे में क्या करते हैं? क्लीनिंग। और जब क्लीनिंग करते हैं तो क्या निकलता है? काम का सामान भी मिल जाता है बिना काम का, तो हम क्या करते हैं उसका बिना काम का बाहर करते हैं, काम का तो उचित स्थान पर रख दो, यानी 1S 2S। जब हम 3S कर रहे हैं तो 1S 2S दोनों साथ साथ कर रहे हैं, यानी जब हम क्लीनिंग कर रहे हैं तो हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हम इसको निकालना है या रखना है, ये तीनों चीजें हाउसकीपिंग है और हम लोग हाउसकीपिंग में बहुत आगे रहे। लेकिन ये वर्कप्लेस मैनेजमेंट ये नहीं कहता आप हाउसकीपिंग करो, ये 5S क्या कहता है? ये हाउसकीपिंग है, इसके लिए मैन पावर चाहिए, मटेरियल चाहिए उसको रखने के लिए, जगह चाहिए, पैसा चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टाइम चाहिए, मसल पावर चाहिए। लेकिन सवाल यह है ठीक चीजें बेकार हो गई क्यों? क्या हम उसकी लाइफ बढ़ा सकते थे? क्या हम कुछ दूसरा सिस्टम कर सकते हैं? सोचने की जरूरत है। और रास्ता निकलता है वो चौथा एस, देख चीजें ढूंढने में क्यों दिक्कत आ रही, इन्वेंट्री हमारी क्यों बढ़ जाती है, सामान क्यों बर्बाद हो जाता है, हम प्रॉपर लेबलिंग नहीं कर पाते, चीजों को कायदे से रख नहीं पाते, निकालते रखने में चोट लगने का डर रहता है, सब क्यों? रास्ता निकालने की जरूरत है। थर्ड एस, जब हम सफाई की बात कर रहे हैं, अरे भाई सफाई करोगे जब गंदा है, गंदा क्यों हो रहा है? तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें इनके रूट कॉज को ढूंढना है कि हमें 1S 2S 3S यानी हाउसकीपिंग न करनी पड़े या कम समय कम पैसे कम समय पे वो चीज हो जाए, और ऐसा रास्ता निकालो, ऐसे प्रोजेक्ट निकालो और यदि वो सफल है मैनेजमेंट को बताओ, मैनेजमेंट ने अप्रूव कर दिया और टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के थ्रू आएगा तो हम उसको स्टर्नलाइज कर देंगे। और ये है चौथा एस, और एक सदृश प्रबंधन विजुअल मैनेजमेंट जिसे लोग समझ सके क्या सही है क्या गलत है। तो अल्टीमेटली हमें 1S 2S 3S करना नहीं है, 1S 2S 3S न करना पड़े उसका, लेकिन हाउसकीपिंग हमारे उससे वैसे उससे बेहतर रहे, ऐसा रास्ता निकालिए, वो चौथा एस है। और यदि उसको हम नियमित रूप से पालन करें दिल से, कहते हैं 21 बार दिल से प्रैक्टिस करोगे तो आदत में आ जाएगा। अब हमारे बहुत सारे साथी 5S को बड़े अच्छे ढंग से अपना रहे हैं, लेकिन हमने कई लोगों को देखा है वो गूगल से या कहां कहां से उन्होंने कुछ ऐसे शब्द ले लिए कि तकासी ओसाडा जो
जिन्होंने इस किताब को लिखा है वो खुद भी परेशान है ये कहां से आ गया। सीरी ऑर्गेनाइजेशन सॉर्ट आउट नहीं, एस के चक्कर में लिख दिया सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट एक्टिविटी है, यदि आपके सामने ये रखा हुआ है हम आपसे कहें सॉर्ट आउट करो, आप क्या सॉर्ट आउट करोगे? कोई कहेगा गिनती अलग कर दो, कोई कहेगा कैपिटल लेटर अलग कर दो, कोई कहेगा स्मॉल लेटर अलग कर दो, अलग अलग करके आप कुछ ना कुछ तो सॉर्ट आउट करोगे। ये 20 लोगों को दो तो 20 लोग अपने अलग अलगने से सॉर्ट आउट करें। लेकिन ये हमने कहा कि भाई हमें केवल वो संख्या न्यूमेरिकल वैल्यू अंक जो 5 से बड़े हैं अधिक है हमें केवल उनको सॉर्ट आउट करना है, सबका आंसर है। तो सॉर्ट आउट एक एक्टिविटी है जो किसी इंस्ट्रक्शंस के आधार पर होती है, किसी पर्पस के लिए होती है। तो यहां पर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो, किसी एरिया को आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो तो उस एरिया में जो चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए उसको अलग कर रहे हो, तो सॉर्ट आउट उसके लिए कर रहे हो। नीटनेस, कुछ लोगों ने सेट इन ऑर्डर, अरे भाई कौन से ऑर्डर से? अपना कीबोर्ड देखिए, ये सेट इन ऑर्डर होता तो ABCDEFGH बड़े कायदे से क्रम से लिखा होता, लेकिन नहीं, इट्स ए फंक्शनली स्टोरेज। आप सामान रखते हैं, जो सामान बार बार जरूरत पड़े उसको पास में रखो, जो सामान लुढ़कने वाला उसमें स्टॉपर लगाओ, जो भारी सामान है उसको नीचे रखो, जो सामान कभी कभार जरूरत है ऐसा रखो जब जरूरत पड़े तो मिल जाए। तो इस तरीके से आप फंक्शनली स्टोरेज करते हैं। आज ये जितने भी लेटर है QWERTY कोई क्रम में नहीं है, लेकिन ये जो बनाए गए हैं फंक्शनली, यानी कौन से लेटर सबसे ज्यादा था, कौन सी फिंगर कितना ज्यादा काम करती है, उनके आधार पर इसको डिजाइन किया गया है जिसे आप फास्ट टाइपिंग कर सकते। इट्स ए फंक्शनल स्टोरेज। से सो क्लीनिंग, इट्स नॉट शाइन, इट्स ए क्लीनिंग। क्लीनिंग कॉम्बिनेशन है 1S और 2S का, शाइनिंग। वो तो मशीन के लिए बोलते हैं, एक सफाई करो मशीन को, बड़ी अच्छा चमकना चाहिए, लोगों ने शाइन वहां से ले लिया, चमकना चाहिए मैंने शाइन हो गया। अभी आप देखिए फर्स्ट एस, ये आप कहोगे सॉर्ट आउट, यहां क्या करते हो, यहां भी तो सॉर्ट आउट करते हो। फ्रिक्वेंटली यूज आइटम, रेयरली यूज आइटम, हैवी आइटम सॉर्ट आउट करते हो, यहां भी सॉर्ट आउट करते हो, तो सभी जगह तो सॉर्ट आउट करो। चूंकि इसको एस एस में आना है, पूरा मीनिंग बदल दिया। इंटेंशन देख लीजिए, सिक्के स्टैंडर्डाइजेशन नो चेंज, क्यों? वो तो ऐसे शुरू हो रहा था, इसके बारे में क्या सोचना। शिशु के डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब है कि वाट एवर सिस्टम, जो भी सिस्टम आपने डेवलप किया है आप उसका पालन करो। पैर छूने का रिवाज हमारे यहां है, सब जगह नहीं है, लेकिन आपका ही भतीजा आकर के 2 साल बाद आया है और जैसे आपके करीब आ रहा है आपके तो हाथ उठने लगेगा, मालूम है अच्छी तरीके से कि आएगा, पैर छुएगा, आप उसको आशीर्वाद दोगे, और 10 कदम दूर आकर के हाय चाचा कैसे हो बोल दे, तो आप बोलोगे तो नहीं कुछ, लेकिन अंदर से फील करोगे अनुशासनहीन हो गया। तो इन डिसिप्लिन मीन्स जो सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया, इसीलिए यहां पर लोग नीचे अपना सिस्टम डेवलप करते हैं, मैनेजमेंट को बताते हैं, मैनेजमेंट को अप्रूव करते हैं। अब कुछ लोगों ने लिख दिया सेल्फ डिसिप्लिन, एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी सेल्फ डिसिप्लिन है, बाकी नहीं है, नहीं चलेगा, सबको इसमें लिखना पड़ेगा। सस्टेन, सस्टेन इज नॉट मीनिंग, सस्टेन इज द आउटकम ऑफ डिसिप्लिन, ये सब उसको करेंगे तो ये सस्टेन करेगा। ये किताब है जो सबसे पहली बुक जापानी भाषा से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई और तकासी उसाडा, और सबसे पहले ही पेज में उन्होंने लिख दिया सीरी ऑर्गेनाइजेशन सेट ऑन नीटनेस सेसो क्लीनिंग
जिसने इसको ट्रांसलेट करी, जो पहला तकासी उसाडा जिन्होंने दिया, और हम लोग अपने मन से उसके अलग अलग मीनिंग ना निकालें तो बेटर है। जागृति ग्रुप टोटल इंप्लाइज में से 10% लोगों को 1 महीने के लिए या 20% लोगों को 2 महीने के लिए जागृति ग्रुप का मेंबर बनाते हैं और उनको बताते हैं उन्हें नाखून चेक करने हैं, उन्हें पार्किंग देखनी है, रोटेशन से लोगों को लगाते हैं हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी गड़बड़ है उसको करने के लिए। आप देखिए मजा ले, सब लाइन से ही जाएंगे, नहीं तो क्या होगा। जो जागृति ग्रुप मेंबर है उनको फाइन कर सकते हैं। आप देखिए यहां तक सीरी, इसमें हम रेड टैग एरिया की बात करते हैं, लोगों से कहते हैं रेड टैग लगाइए जो सामान उनके हिसाब से अननेसेसरी है। डे टू डे जो स्क्रैप निकलता है उसको जैसे आप डिस्पोज करते हैं वैसे कीजिए, लेकिन रेड टैग लगाने के बाद जो आइटम बड़े हैं वही रहने दो, छोटे आइटम्स को रेड टैग एरिया में रख दो। एक दिन निश्चित करो, समय निश्चित करो, सीनियर लोग आएंगे उसको देखेंगे, रिपेयरेबल है उसको रिपेयर कराएंगे, वो वास्तव में काम का है। शायद जिसने टैग लगाया उसको पता नहीं है तो उसको बताएंगे, ये तो काम का है लेकिन अभी उस डिपार्टमेंट में काम का नहीं है, हम उसको सीरी म्यूजियम में भेज देंगे। यदि इक्विपमेंट बहुत बड़ा है तो उसकी फोटो लगा करके, स्पेसिफिकेशन लगा करके सीरी म्यूजियम में टांग देंगे और लोकेशन लिख देंगे ये इक्विपमेंट कहाँ पर है, जिससे और उसको वेब में डाल देंगे, जिसको चाहिए वो ले सकता है पेमेंट करके या जैसे भी। जो सामान काम करनी है उसको इसके रिपेयर में डालेंगे। सेट ऑन, चीजों को प्रॉपरली अरेंज करके लगाना है, लेबल लगाना है, सेफ्टी को ध्यान रखना है, निकालने और रखने में कोई तकलीफ ना हो। प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। सेसो क्लीनिंग, क्लीनिंग के लिए हमें एक सेसो कैलेंडर तैयार करना है, देखना है कि कितनी फ्रिक्वेंसी में कहां पर कैसे हम उसको क्लीन कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये देखना है वो जो फ्रिक्वेंसी हमारी है हम उनके बीच का गैप कैसे और बढ़ा सकते हैं, जबकि सफाई उससे बेहतर बनी रहे। 3 टाइप के अप्रोच है, मैक्रो क्लीनिंग, हर चीज को नॉर्मल में क्लीन करना, इंडिविजुअल एक एक को क्लीन करना, और उसको माइक्रो लेवल पे क्लीन करना। तीनों स्टेप में 1S, 2S, 3S जब करते हैं हम उसमें देखते हैं ये क्यों करना पड़ रहा है, क्यों गड़बड़ है, उसमें ट्रायल करते हैं, जो सक्सेसफुल हो जाता है मैनेजमेंट अप्रूव कर देता है, हम उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, 4S हो जाता है स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। 5 कम से कम हर जोन में, सब जोन में हर महीने आनी चाहिए। जो इसका स्ट्रक्चर है, चेयरपर्सन, उनका कोऑर्डिनेटर, मेंबर स्टीयरिंग कमेटी, और ये जोन्स हो गए। ये जोन कोई बड़ा है या कई जोन बड़े हैं हम उसको सब जोन में बांट देते हैं। सब जोन काउंसिल मेंबर आइडेंटिफाई करता है, एरिया कोऑर्डिनेटर बना देते हैं। ये जो 3 से 7 काउंसिल मेंबर ये अपने टोटल एरिया को इनिशियल फोटोग्राफ लेते हैं, इसका मैप बनाते हैं कहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं उसके आधार पर, और उसके बाद हर एक को जिम्मेदारी दी जाती है। हर कोई अपना खुद एरिया का जिम्मेदार होता है, प्लस गिवन एरिया। गिवन एरिया में नो मैंस लैंड, जैसे यहाँ पर गार्डन है, फाउंटेन है, नो मैंस लैंड, कॉमन एरिया, पार्किंग है, डोर है, नोटिस बोर्ड है, टॉयलेट्स है, ड्रिंकिंग वाटर एरिया है, कॉमन एरिया। यहाँ जो कमरे हैं उसके अंदर भी बहुत सारे कॉमन एरिया होंगे, तो हर एक की जिम्मेदारी, यानी कोई भी प्लेस ऐसा नहीं हो जहाँ आप उंगली रखे उसका कोई जिम्मेदार नहीं है, इस तरह बांट दे। बांटने के बाद हर कोई अपने एरिया की, और जो गिवन एरिया है उसकी माइक्रो चेकलिस्ट बनाओ, और उन एरियाज में जो हिडन एरियाज है उनकी भी चेकलिस्ट बनाते हैं। तो माइक्रो चेकलिस्ट हाथ से लिखना है,
जब आप हाथ से लिखते हैं तो वो ब्रेन में लिख जाता है और इसको ब्रेन राइटिंग कहते हैं। इस तरीके से हिडन एरिया भी लगाना है। 5S रजिस्टर बड़ा सिंपल सा है जिसमें पांच चीजें हैं। यहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसके मैट्रिक्स में नहीं रहती है। एक सेल्फ ऑडिट करते हैं, सेल्फ ऑडिट में जो कमी रह जाती है पूरे हफ्ते में ठीक नहीं हो पाती है उसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, और जो भी काम करना होता है हम यहाँ उसका टारगेट और एक्चुअल देते हैं। ये तीन बार टारगेट डेट के हिसाब से नहीं होता है तो उसकी रिपोर्ट ऊपर भेज दी जाती है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस डेवलप करना है, बिफोर आफ्टर फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ में नीचे डेट पड़ी होनी चाहिए, उसको डिस्प्ले करते हैं। फिफ्थ एस यानी जो भी हमने स्टैंडर्ड प्रैक्टिस डेवलप की है हमें उसको पालन करना है। जैसे हमने कहा इसको दिल से हम कई बार प्रैक्टिस करें हमारी आदत में आ जाता है। 5S को अपने घरों में भी करना है। और फिर मैनेजमेंट ऑडिट, कोऑर्डिनेटर का काम है ये सारे पॉइंट्स को मैनेजमेंट के ऑडिटर को एक्सप्लेन करें, फिर उनके साथ जाए, वो जो भी नंबर देते हैं उसमें लिखे और उनसे पूछे कि ये नंबर क्यों कट किए, और वो R1 R2 एक अलग डायरी में उसमें जो भी कमेंट्स आते हैं उनको नोट करें। स्कोर बोर्ड में मार्क्स डिस्प्ले करें, 70 के नीचे है रेड से, 70 to 80, ग्रीन 80 और उसके ऊपर है तो ब्लू से करते हैं। डिस्प्ले 5S होम का बोर्ड डिस्प्ले करें, जागृति ग्रुप की फोटो डिस्प्ले करें, और जिन लोगों ने 70% के ऊपर अचीव किए हैं उनको अचीवमेंट मेमेंटो दिया जाए, और यदि अगली बार वो नहीं अचीव कर पाते फिर तो ये मेमेंटो वापस ले लिया जाएगा, और पीछे कुछ ऐसी या फैसिलिटेटर की या वो जो सब जो लीडर की फोटो को रोते हुए लगा दे, वो नहीं चाहेगा इसको, तुरंत कहेगा हम इसको 3-4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, आई तो कर लेता है तो सीट फिर वापस रख दो, लेकिन स्कोर नहीं बदलेगा। यदि आपको लगता है 5S बड़े अच्छे ढंग से आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, हम प्री सर्टिफिकेशन पर जाते हैं, वहां पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिन पर कि हम लोग देखते हैं कि आपने क्या किया है। फिर फाइनल सर्टिफिकेशन जो इस तरह मिलेगा, और उसके बाद यदि आपके 75% के ऊपर मार्क्स है तो एक अपॉर्चुनिटी जो QCFI को मिली है पूरे वर्ल्ड में कि यूनियन ऑफ जापानी साइंटिस्ट इंजीनियर्स QCFI के साथ ज्वाइंटली जूसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं 5S इम्प्लीमेंटेशन का, जो कि किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। ये जूसे यूनियन जापानी साइंटिस्ट इंजीनियर वही है जो विश्व प्रसिद्ध डेमिंग अवार्ड दे रहे हैं। तो यहां पर 75% के ऊपर आपके मार्क्स आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहां से इस तरह का सर्टिफिकेट आता है, पहले वहां से साइन होकर के आता है मैनेजिंग डायरेक्टर का, फिर यहाँ पर हम साइन करते हैं और आपके यहाँ दे दिया जाता है, जो कि 3 साल के लिए वैलिड है, लेकिन हर 6 महीने में सर्विलेंस ऑडिट होता रहता है। देखिए जो ट्रेनिंग है हम लोगों ने इसको 3 तरीके से देखा है, एक तो फिजिकल ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग थ्रू मॉड्यूल सिस्टम। ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको मालूम है उसके भी अपने प्लस माइनस पॉइंट है, फिजिकल के प्लस माइनस पॉइंट है और मॉड्यूल्स के भी प्लस माइनस पॉइंट है। फिजिकल ट्रेनिंग में आज हमने ट्रेनिंग दिया आपको बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन 4 दिन बाद कोई कंफ्यूजन आया किससे पूछोगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग में जो लोग इंटरेस्टेड है वो बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कई लोग ऑफ करके खाली अपनी फोटो लगा के बैठ जाते। मॉड्यूल्स के थ्रू हमने ट्रेनिंग डेवलप करी, उसके पीछे पर्पज ये था कि जैसे अभी आप इसी रिफ्रेशर प्रोग्राम को ले लीजिए, जितने बार चाहे आप सुन सकते हो, तो थ्रू मॉड्यूल्स आप सुनिए, हम उसमें टास्क देते हैं, इसमें टास्क नहीं दिया हुआ है लेकिन टेस्ट होगा, तो टास्क देते हैं, टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम ऑनलाइन आपसे कहते हैं आप मेरे को दिखाइए आपने क्या किया है,
कुछ कभी ये तो बता देते एक घंटे भर के अंदर, जरूरत पड़ी तो 2 घंटे, और जरूरत पड़ी तो फिजिकल ट्रेनिंग भी दे जाते। तो तीनों का हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन किया है। उद्देश्य क्या है? ट्रेन टू डू, हम चाहते हैं कि लोग उसको करें, डू टू लर्न एंड लर्न टू कोच। QCFI एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसमें बिलीव नहीं करते कि हम नंबर ऑफ फैकल्टी डेज ज्यादा हो, हम ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेनर्स ज्यादा से ज्यादा संस्थान के पास हो, जिससे कि वो अपने यहाँ के लोगों को जब जरूरत पड़े इमिडिएटली उनके शंका का समाधान कर सके। और इसीलिए ये जो विभिन्न बुक्स हैं आप इनको जरूर पढ़ें, और भी बुक्स हैं लेकिन ये जो मेन है उनको पढ़ें। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आंसर की बुक है जिसमें सेफ्टी के क्वेश्चंस भी अलग से दिए गए हैं, तो जो सेफ्टी सर्किल में अटेंड कर रहे हैं वो उन क्वेश्चन को उससे देख सकते हैं, और उसके साथ साथ सिंपल टूल्स एंड टेक्निक के बारे में भी उसमें तमाम क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन बैंक से ही 90% क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से ही आएंगे, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें चेंज होंगे। तो यहां पर हम हर साल जो भी आप फीस देते हैं, मान लीजिए आपके संस्थान से 3 सर्किल आया और लगभग 1 लाख रुपए अपने फीस दी है, तो उसका 10% हम आपको वापस करते हैं पॉइंट्स के माध्यम से, और उस पॉइंट को आप रिडीम करा सकते हैं 1 पॉइंट बराबर 1 रुपए के। और ज्यादातर इसमें हम लोगों से कहते हैं ज्यूरी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आइए, बुक्स परचेज कीजिए। यदि आपके यहाँ ज्यूरी डेवलपमेंट प्रोग्राम में लोग भागीदारी लेते हैं तो एक बंदों का जो होता है वो विभिन्न विषयों को जानते भी हैं और अपने यहाँ पर ज्यूरी का काम कर सकते हैं, अपने संस्थान में देख सकते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं, उनको गाइड कर सकते हैं सही ढंग से। आज ज्यूरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही परिणाम है कि इंटरनेशनल लेवल पे 1/3 लोग केवल भारतवर्ष से सेलेक्ट हुए हैं इंटरनेशनल जजेस में, 3 साल के लिए, 2 साल हो गया, अभी 1 साल हो रहे हैं, इसके बाद फिर से आएगा। तो जितने भी लोग ज्यूरी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आ सकते हैं आप आए। आप ये देखिए हमने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम बनाए हैं जिसमें जो लोग मेंबर है उनको कंसेशन है, जो मेंबर नहीं है वो फीस दे रहे हैं, उनको मेंबर बनाते हैं लाइफ मेंबर, और ये फीस है, और इसमें ड्यूरेशन दिया हुआ है, कितने मॉड्यूल से दिए हुए हैं, उसमें कितने सेट से दिए हुए हैं, हर सेट्स के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उनको करेंगे, फिर एक ओवरऑल टेस्ट होता है, जो क्वालिफाई कर जाते हैं उनको हम सर्टिफिकेट भेजते हैं। यदि आपको लगता है मार्क्स कम आए हैं, जिस विषय में कम आए उसका आप दोबारा से भी फॉलो कर सकते हैं और उसके मार्क्स को अपग्रेड कर सकते हैं। तो आप चाहे 5S की बात हो, चाहे WCM की बात हो, DKS मॉडल की बात हो, लीन क्वालिटी सर्किल, QC सर्किल की बात हो, आप डिफरेंट पैकेजेज हैं, और एक WCM का भी इसमें पैकेज है। तो इस तरीके से हम इस टोटल पैकेज को जो भी आपको उचित लगता है ले सकते हैं, जो भी आपने पॉइंट्स ऑर्गेनाइजर को मिले हैं उसे रिडीम कर सकते हैं, और इस तरीके से हम अपने यहाँ लोगों को डेवलप कर सकते हैं। ये जो भी इनके रूल्स रेगुलेशंस है ये ऑलरेडी वेब में भी मिलेंगे, हम इसको इनॉग्रल वैलिडिटी में बताएंगे भी और पत्रिका में भी रहेगा। मार्च तक लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अप्रैल लास्ट डेट 31 अक्टूबर, लेकिन मार्च के बाद अप्रैल से हम मॉड्यूल्स भेजना शुरू कर देते हैं, और आपके जैसे जैसे आप उसको करते जाते हैं आपको सर्टिफिकेशन की तरफ ले जाते हैं। सो हमें उम्मीद है आप तैयार हैं, लेकिन अभी नहीं भाई, अभी आप और सुनिए, 2-4 बार सुनिए, आपको डेट बताई जाएगी, हर सर्कल से 3 लोग उसमें रहेंगे,
अब उसी समय तीन लोग बैठेंगे लेकिन तीनों को क्वेश्चन अलग अलग आएंगे। इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लीजिए कि एक बार आपने क्लिक कर दिया तो वापस नहीं होगा, और ये वापस करने गए तो आगे नहीं बढ़ो, तो उसके इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद जो तीनों लोगों के मार्क्स आएंगे उसका जो एवरेज मार्क्स होगा वो 50 नंबर का, 200 में से 50 नंबर आपके नॉलेज टेस्ट के लिए। केवल एचआर के लोगों को टेस्ट नहीं देना है, बाकी सब लोगों को टेस्ट देना है। सेफ्टी सर्कल के जो क्वेश्चन है वो सेफ्टी सर्कल से प्लस सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक से भी आएंगे। सो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, हमें उम्मीद है आप इसको अधिक से अधिक सुनेंगे, और जहां कहीं भी आपको डिटेल चाहिए उन बुक्स का इस्तेमाल करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अपने साथियों को तैयार करेंगे जिससे आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल सके। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।